ओके चलें हम फिर स्टार्ट करते हैं लेक्चर। अच्छा लेक्चर स्टार्ट अगेन, वो तो मेन चीज़ों पे तो आगे जाएंगे। मैं सिर्फ एक चीज़ चाहूँगा कि वो रीकैप करें सो दैट मैं बात उससे कनेक्ट करूँ, और ऑब्वियसली हम जो रीकैप में जो करना चाह रहा हूँ वो रैंडम वेरिएबल का आइडिया, क्योंकि फिर वो रैंडम वेरिएबल से डिस्क्रीट पे सारी चीज़ें देख ली हैं, अब हम कंटिन्यूस पर जाएंगे। तो पहले तो रैंडम वेरिएबल रिकॉल करें, जिसको भी आता है वॉलंटियरली बता सकते हैं आइडिया जो क्या होता है रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल जो है तो न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन होती है जो हम आउटकम्स निकालते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट के। ठीक है, तो कोई लाइक कोई एग्जांपल देके अगर एक्सप्लेन कर सकें, कोई भी सिंपल सी सिचुएशन हो। सर जैसे बुक में भी लिखे हुए हैं दो तीन एग्जांपल, उसमें से एक कि हम किसी भी कस्टमर को, पांच कस्टमर को कॉल्स कर रहे हैं, सही है, एक्सपेरिमेंट हो गया। अब उसको हम रैंडम एक्सपेरिमेंट ऐसे निकालेंगे, नंबर ऑफ कॉल्स प्लेस ऑर्डर, जिसने अभी ऑर्डर प्लेस किया जिसमें वो तीन वो जो हो गए वो आउटकम हो गया। सही है, तो अच्छा अभी जो नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस है तो ये क्या डिपेक्ट कर रहा है, क्या बता रहा है? सर ये रैंडम वेरिएबल हो गया ना, एक ये हमारा रैंडम वेरिएबल हो गया जो कि बेसिकली फंक्शन है। पहले मैं दोबारा बता दूं, रैंडम वेरिएबल दर हकीकत एक फंक्शन है। रैंडम वेरिएबल क्या है इसलिए रैंक है, उसकी जो पॉसिबल वैल्यू है वो रैंडमनेस पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ ऑर्डर है ना वो एक रैंडम वेरिएबल है, वो रैंडमनेस पे चांस पर है क्योंकि चांस इन्वॉल्व हो गया, आसान लफ्जों में ऐसे समझ लें। अच्छा ये जो आपने कहा पांच कस्टमर हमारे पास जो है उनको कॉल किए जा रहे हैं और वो ऑर्डर प्लेस करते हैं या नहीं, तो एक्स की पहले बताएं एक्स कौन सा वेरिएबल है, डिस्क्रीट या कंटिन्यूस? अभी जो एग्जांपल दिया आपने डिस्क्रीट होगा ना, डिस्क्रीट। ठीक है, और इसकी रेंज क्या है होगी, जो इस स्पेसिफिक सिचुएशन में रेंज क्या है, यानी एक्स की पॉसिबल वैल्यूज कहां से कहां तक होंगी? 0 to 5। ठीक है, क्योंकि कोई भी ऑर्डर प्लेस नहीं करेगा पॉसिबिलिटी है, जैसे मैंने एक मिसाल दी थी रिलेवेंट सिचुएशन कि इजी पैसा वालों की कॉल आ रही होती है या वो जो अपने जेएस कैश वालों का भी होगा होपफुली, क्योंकि मेरे पास टेलीनॉर है तो इजी पैसा वालों की मोस्ट ऑफन कॉल आती रहती है। तो इसी तरह वो बाज़ औक़ात आप देखिए कोई ना कोई कॉल आ रही होती कि फलां सर्विस से आप ले लें या इस पे कब तक आप कर लेंगे इस तरह की, तो आइडिया यही होता है कि फिर आप अगर उसको डेफिनेटली करते हैं मतलब ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आप उसमें काउंट हो जाएंगे नहीं होंगे। तो आइडिया जेड 0 to 5 है और डिस्क्रीट है। ठीक है, अच्छा अब डिस्क्रीट में फिर वही था कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा मेन जो एक आइडिया था एक्सपेक्टेशन का वो जस्ट रिकॉल करवाना चाहूँगा। अगर किसी भी रैंडम वेरिएबल की एक्सपेक्टेशन लेनी है तो, और आइडिया यही कि जो हमने डिस्क्रीट पढ़ा है मैं उसी पर रहकर फिलहाल बात कर रहा हूँ, तो कैसे निकालूंगा, ये एक्स हमारा रैंडम वेरिएबल है। हाँ जी थोड़ा सा मुझे बताएं एक्सपेक्टेशन किसे कहते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल आसान लफ्जों में इसकी एक जी हाँ उस रैंडम वेरिएबल का वो मीन होता है, कैसे कंप्यूट करते थे बताएंगे मुझे सर, x और उसकी प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करके सम कर। ठीक है शाबाश, स्मॉल x से मतलब है इस x की जो भी पॉसिबल वैल्यू है, जैसे मिसाल एक जनरल दे रहा हूँ अभी अभी मिसाल है जैसे बाइनोमियल को मैं ले लेता हूँ पिक कर लेता हूँ, ऐसे तो कुछ भी हो सकता है। तो आपको याद है बाइनोमियल की रेंज 0 से शुरू होती थी क्योंकि वो बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल याद है उसकी डिस्क्रिप्शन क्या थी, बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल को सेंटेंस में डिस्क्रिप्शन में कैसे बताएंगे याद है किसी को? सर वो मल्टीपल स्टेप पे होता था वो। ठीक है, मैंने अभी बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल को अगर मुझे एक सेंटेंस में या एक डिस्क्रिप्शन में बताना पड़े वो कैसे बताएंगे, मैंने आप लोगों को बताया था वो थोड़ा सा आइडेंटिकल बायस होता नहीं, वो तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स है, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स, मैं कह रहा हूँ कि जी डन है ये सारा पता है या ये सारा है, अब बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल की स्टेटमेंट कैसे मतलब किसी को ये समझाओगे कि बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल होता है तो उसके फंक्शन को एक स्टेटमेंट में कन्वर्ट करोगे ना या कोई आसान लफ्जों में एक्सप्लेन करोगे ना, जैसे मिसाल ये नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस था ना आपका तो वो आपका था ना रैंडम वेरिएबल, तो बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल के लिए जनरल एक सेंटेंस बताया था मैंने सर, जॉइंट प्रोबेबिलिटी बना दी।
नहीं नहीं बेटा, वो बनाते क्या है, आई एम जस्ट आस्किंग अबाउट नंबर ऑफ सक्सेसेस इन एंड ट्रायल्स. आप एक्चुअली नंबर ऑफ सक्सेस पर काम करते हैं. और इवन जो आपने ऑर्डर प्लेस वाली एग्जांपल दी है, बाइनोमियल, एक बंदा ऑर्डर प्लेस करेगा या नहीं करेगा, एक दूसरे से ऑर्डर इंडिपेंडेंट होंगे अगर कैरेक्टरिस्टिक ढूंढेंगे वो सारे मिलेंगे. मैंने ये कहा कि एक्स की डिस्क्रिप्शन यानी स्टेटमेंट, बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल की स्टेटमेंट बताई थी, इवन वो लिखा हुआ भी है लेक्चर में भी देखें, नंबर ऑफ सक्सेसेस इन एंड ट्रायल्स. तो इसलिए मैंने इसको स्टॉप किया. अब ये 01 नहीं है, ये 0 से स्टार्ट होगा और कहाँ पर एंड होगा, ये स्मॉल एन पर. स्मॉल एन याद है यहाँ पे क्या मतलब था जी? नंबर ऑफ ट्रायल्स. तो आप जब एंड ट्रायल्स करेंगे या लाइक एंड ट्रायल्स का मतलब है एक बंदे से दूसरे से थी, तो वो फिर आपके पास एन हो गया. ठीक है, अच्छा खैर फॉर्मूले पे आते हैं. ठीक, अच्छा हर पॉसिबल वैल्यू को उसकी क्रॉसपॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है. आपको बताया था स्मॉल एफ ऑफ एक्स. अच्छा जैसे मिसाल है 0 × f(0), फिर इसी तरह 1 × f(1), ये सारे आपस में क्या हो जाएंगे, सम हो जाएंगे. ठीक है, ये सारे आपस में सम हो जाएंगे. ठीक है, तो ये लिख दिया है. अगर इंडेक्सिंग करना चाहे तो ऐसे वन अंडर रूट सम का मतलब है जितने भी सारे. अब मैं आई लिख रहा हूँ तो यानी मैं इंडेक्स भी बता रहा हूँ. अच्छा जी आई स्टार्ट हो रहा है, एक सपोज है बाइनोमियल है तो वो नॉर्मली ऐसे शुरू होता है जी, 0 से शुरू है और एन पे खत्म है. फिर हमने कहा था अच्छा ये फॉर्मूला तो करेंगे, अगर हम यहाँ पर किसकी PDF पुट कर दें बाइनोमियल की. मैं अभी सारी बातें जो एक्सप्लेन कर रहा है ना वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में कर. तो आपको याद होगा आपने ये फॉर्मूला यूज नहीं किया था, ये तो जेनेरिक फॉर्मूला है. I am repeating that this is a generic formula to compute expectation of a random variable when your random variable is discrete. तो actually यहाँ पर आपके पास जो है आपके पास ये याद होगा binomial का. अगर मैं इसमें यहाँ PDF रखूँ और इसको simplify करूँ mathematical सारी चीजें, तो ये चीज फिर किसके बराबर होनी चाहिए? यानी मैं ये पूछ रहा हूँ binomial की expectation क्या होती है? अगर आपका रैंडम वेरिएबल बाइनोमियल हो तो उसके मीन का क्या फॉर्मूला था, याद है? n into p. तो फिर ये n into p. जी हाँ, तो यहाँ पर क्या पुट करेंगे? आपने याद होगा वो बाइनोमियल का फॉर्मूला यूज किया था. ठीक है, और इसको मैं थोड़ा करेक्ट करूं क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ बच्चे. ये इसको PDF आप जनरली तो कह सकते हैं, बट हम इन पर्टिकुलर कॉल करेंगे ये PMF होता है, और मैं इसको एब्रीवेट कर देता हूँ. ठीक है, ये बेटा PMF कहलाता है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का. ध्यान से सुनिएगा, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का जो प्रोबेबिलिटी का फंक्शन, या आसान लफ्जों में जो आपने फॉर्मूले देखे, क्योंकि आपको फॉर्मूला करके याद रहता है. आपने बाइनोमियल का जो देखा फॉर्मूला, आपने पॉसॉन का देखा, आपने हाइपरजोमेट्रिक का, वो उनके प्रोबेबिलिटी फंक्शन है. और डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी फंक्शन को प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कहते हैं. तो ये जो P स्टैंड कर रहा है प्रोबेबिलिटी के लिए आपके पास. ठीक है, ये रिकॉल इसलिए करवा रहा हूँ कि मैं फिर अब जो है ना इसी में फिर आगे बात हम कनेक्ट करेंगे कंटिन्यूस पे. प्रोबेबिलिटी, M स्टैंड कर रहा है मास, मास का वर्ड इस वजह से आता है वो डिस्क्रीट होता है, और F स्टैंड कर रहा है फंक्शन. तो इसको ऐसे याद रख लें, अगर कहीं PMF का वर्ड आ जाए तो आप बिल्कुल श्योर हो जाएं कि जो आप डिस्ट्रीब्यूशन पे काम कर रहे हैं वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की डिस्ट्रीब्यूशन है. और आगे चल के अब हम PDF देखेंगे, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन. ठीक है, अच्छा जनरल नाम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, तो बहुत से लोग जनरली PDF भी कह रहे थे, बट PDF हम इन पर्टिकुलर कंटिन्यूस के लिए कहते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के लिए. तो खैर ये थोड़ा सा एक फ्लैशबैक में ले जाने का पर्पस ये था कि कुछ चीजें रिकॉल हो जाए, भाई पढ़ा क्या था, सेंस क्या था. तो और मैंने फर्दर ये बता दिया जी ये लाइक आपका एक्सपेक्टेशन है. इसी तरह आपने आपको मैं जस्ट लाइक ये चाहूंगा कि अपना हाँ जी अच्छा जी चले. अब मैं चाहूंगा कि मुझे जरा उसका फॉर्मूला लिखवा दिए, अगर आपको वेरिएंस कैलकुलेट करना है किसी भी रैंडम वेरिएबल का, वेरिएंस कैलकुलेट करना है. ये जनरल फॉर्मूला पूछ रहा हूँ, अभी मैं पर्टिकुलर नहीं पूछ रहा हूँ ना बाइनोमियल का ना. मैं कह रहा हूँ जनरली आपने जो शुरू के टॉपिक में पढ़ा था, अगर एक से एक रैंडम वेरिएबल है तो उसकी आप जो है क्या कहते हैं वेरिएंस कैसे कंप्यूट करेंगे, याद है? x i
को मैं शॉर्टली एक्स लिख रहा हूँ, आई का मतलब ऑल पॉस एस तमाम पॉसिबल वैल्यू को आप जो उसकी मीन होगी म्यू से मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स ही है वो माइनस करेंगे और थोड़ा सा याद करेंगे डेविएशन होता था तो हम इसको स्क्वायर करते हैं स्क्वायर का रीजन में बार बार बता चुके स्क्वायर ये सर क्रॉसफॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते थे अच्छा ये सारा परफॉर्म करते थे फॉर ईच पॉसिबल वैल्यू और सबको आखिर में क्या कर लेते थे सम कर लेते थे ठीक है ये आपका जो था वेरिएंस का था और अगर आप इसी का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो वो उसका स्टैंडर्ड ठीक है अच्छा इसका एक और अल्टरनेटिव फॉर्मूला था जो लेक्चर में नोट्स में मैंने मेंशन किया हुआ है किसी ने देखा है उसको एक इसका अल्टरनेटिव फॉर्मूला भी था अल्टरनेटिव ये था आप एक्सपेक्टेशन ले लें एक्स स्क्वायर की और उसमें से मीन का स्क्वायर माइनस कर दें कोई अगर ऐसे करता है तो ठीक है ये दोनों इक्विवेलेंट है मेरी बात ध्यान से सुने ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला इक्विवेलेंट है ये मीन आपने वैसे ही निकालना है जैसे मैंने पहले देख लिया मीन से मुराद क्या है वही चीज है बेटा इसको फिर कंफ्यूज नहीं कीजिएगा कि आप कहेंगे अचानक मीन की बात हो गई मीन से मुराद एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स से अगेन बात कर दूं एक्स से मुराद रैंडम वेरिएबल है जो कि एक फंक्शन होता है उस पर बात हो गई है और अभी हमने डिस्क्रीट के लिए सारी बात कर रहे हैं तो इसका हमने जनरल फॉर्मूला देखा था एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स और ऑल पॉसिबल वैल्यू करके उन सबको सम करते हैं ऐसे मीन निकालेंगे अब आपके जहन में होगा अच्छा जी ये कैसे निकालना है अगर ऑल्टरनेटिव से आप काम कर रहे हैं या मिसालें कभी ऐसे आ गया तो कन्फ्यूज नहीं होना है बहुत आसान है इसी फॉर्मूले को आप ना इनहेंस करें एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स से सिंपल मतलब है हर x अपने f of x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सेम आइडिया इसके लिए होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे x स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन लिखनी है तो ये कुछ भी नहीं है सिवाय इस स्टेटमेंट को देखते हुए हमने सम करना है हर x स्क्वायर को उसकी क्रॉसपॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है ठीक है जी तो ये ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला था वेरियंस का ये भी ठीक है वो भी ठीक है सही है जी और इवन आपको तो मैं पहले कह चुका हूँ जितना ज़्यादा आप लोग ऑनलाइन रिसोर्सेज जो हैं उनका इस्तेमाल करें सॉफ्टवेयर्स वगैरह अगर आपको समझ आ रहे हैं तो उनका इस्तेमाल करें ठीक है अच्छा जी अब हम यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर नहीं होगा जी तो कुछ लिखे ना अच्छा जी चलें एक मिनट अच्छा अब हम आ रहे हैं अपने उस पे अच्छा जी अब यहाँ पर है हमारे पास वीक 5 लेक्चर 1 कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो देखिए सारा मैंने इसलिए कहा था कि एटलीस्ट आप रैंडम वेरिएबल को तो रिकॉल कर लें अब हो क्या रहा है अब जो हमारा एक्स है ना वो डिस्क्रीट नहीं है वो कंटिन्यूस है ये फर्क हो गया और कंटिन्यूस की मिसाल के लिए मैं सिर्फ एक बात चाहूँगा आप रिकॉल करें कि आपको जब हमने चैप्टर मतलब आपका कोर्स स्टार्ट हुआ था तो कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज में हमने पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि आप डिस्क्रीट वेरिएबल और कंटिन्यूस वेरिएबल में कैसे फर्क करेंगे जब आपका वेरिएबल एक क्वांटिटेटिव हो तो आपने फिर ये ऐसे पढ़ा था कि अच्छा जी हाउ मेनी काउंट वाली बात होगी तो वो डिस्क्रीट है हाउ मच यानी मेजरमेंट वाली बात होगी तो वो कंटिन्यूस है ठीक है अब क्या है उसमें एक चीज और इन्वॉल्व हो गई है और वो चांस और रेंडमनेस इन्वॉल्व हो गई पहले हमारा ये था कि हमने जो आइडिया देखा था कि जस्ट वो वेरिएबल्स हैं और ये मतलब है अब हम अगर उनको रैंडम वेरिएबल कह रहे हैं तो इसका मतलब हम उनको इनके बिहाइंड में कोई एक्सपेरिमेंट है जहाँ पर चांस इन्वॉल्व हो रहा है प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व हो रही है और दैट्स व्हाई वो रैंडम वेरिएबल कहला रहा है तो इसीलिए फिर जब कंटिन्यूस की बात आएगी तो मेजरमेंट की बात आएगी द कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज फॉर द कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल ठीक है कंटिन्यूस वेरिएबल जो पढ़ा था वो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के सेंस में आएगा गिवन दैट वी आर इन्वॉल्विंग रैंडमनेस In the cases where measurements are involved, such as recording time for something to happen, time से related बहुत सारे data होते हैं जैसे flight arrival का time है आपके study hours का time है तो recording time for something to happen ये आपकी मिसाल है measuring length, length आपको पता है length measure होती है वो continuous है weight है volume है और capacity of something etc etc तो हमारे पास कह लें आपके यहाँ पर जो हम देखेंगे वो मेजरमेंट वाले वेरिएबल को देखेंगे ठीक है
अच्छा जी, अब यहाँ पर ये देख लें, मैं अगर आपको थोड़ा सा बता दूं ये और इस ग्राफ में फर्क क्या है। अगर आपको थोड़ा सा याद हो, आप लोगों ने जब वो चैप्टर 5 पढ़ा था तो आप लोगों ने ना हिस्टोग्राम भी बनाए थे, लाइन वाले बनाए थे ये वाले। तो डिस्क्रीट के सेंस में ये होता है कि जो भी पॉसिबल वैल्यू होती है उसका हिस्टोग्राम बना के आप उसकी डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। कंटिन्यूस बेसिकली एक इंटरवल के अंदर अराइज हो रहा होगा, तो वो डेफिनेटली एक पूरा सर्टेन एरिया कंटेन करेगा, उसका कर्व भी होगा। डिस्क्रीट का मतलब है कि आप उसकी ग्राफिकल डिस्प्ले इस हद तक दिखा सकते हैं, कंटिन्यूटी का सेंस नहीं होगा। कंटिन्यूटी का मतलब इस तरह की चीज नहीं होगी। इसमें और इसमें फर्क है आपके पास, ये देखें इसका एक कर्व है प्रॉपर, इसके अंडर में एरिया है, यहाँ पे एक सेंस है। अच्छा जी, किसी भी पॉसिबल वैल्यू की हाइट कितनी हो सकती है, तो ये आपके पास आइडिया। तो डिस्क्रीट को आप हिस्टोग्राम सेंस में ले सकते हैं, कंटिन्यूस का डेफिनेटली एक इस तरह से रेगुलर टाइप का ग्राफ होगा आपके पास। अब ये कुछ कंपैरिजन दे दिए, वैसे तो हम डायरेक्ट यूनिफॉर्म पहनना चाहिए, बट एक थोड़ा सा रिकॉल, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। जैसे मैं अगर कहूँ जहाँ पे काउंट वेरिएबल इन्वॉल्व होगा तो वो डिस्क्रीट है, जहाँ पे मेजरमेंट वेरिएबल इन्वॉल्व होगा तो वो आपके पास कंटिन्यूस है। अब देख लें पॉइंट वाइज कंपैरिजन देख लेते हैं, डिस्क्रीट प्रायोरिटी डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूस प्रायोरिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ इसको ताकि आप लोगों को ये आइडिया क्लियर हो। देखें, एक्स हमारा रैंडम वेरिएबल है, ठीक है, और ये रैंडम वेरिएबल होगा, ये इनपुट कहाँ से लेता है, ये बेसिकली एक फंक्शन होता है। किसी को याद है रैंडम वेरिएबल के डोमेन या इनपुट कहाँ से लिए जाते हैं? जी थोड़ा सा रिकॉल करें बेटा, सैंपल स्पेस से। तो इतने कंफ्यूज हो के क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आपने अभी डेफिनेशन बताई थी ना कि ये न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन है किसी भी एक्सपेरिमेंट के आउटकम की। एक्सपेरिमेंट के आउटकम सारे के सारे कहाँ मिलते हैं? सैंपल स्पेस में मिलते हैं, क्योंकि हम एक कलेक्शन बना देते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स का और वो सैंपल स्पेस हो जाता है। तो हम यहाँ से लेते हैं इनपुट और उसका रिजल्ट किसी भी रियल नंबर से एसोसिएट हो जाता है। अब रियल नंबर अगर काउंट वाला है, यानी नेचुरल है, इंटीजर है, इस तरह से, तो वो डिस्क्रीट है, और अगर किसी पर्टिकुलर इंटरवल से है तो वो कंटिन्यूस है, ठीक है। तो ये आपका आइडिया होता है। अच्छा जी, तो यानी आप कह सकते हैं कि हमारा जो रैंडम वेरिएबल है, अगर आपने फंक्शन का आइडिया पढ़ा है तो ये जस्ट एक सिंपल एक फंक्शन का आइडिया रखता है, बट रैंडमनेस के साथ होता है, ठीक है। अच्छा, पहले भी एक बात और रह गई वो देख लें। अच्छा, अब इसका फिर फंक्शन भी होगा ना, तो अब उसमें जब सारी पॉसिबल वैल्यूज का फंक्शन देखते हैं तो वो एफ ऑफ एक्स, ये इसका कहलाता है इसका। अच्छा पहले सुन लें, जनरल नाम है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। आई एम रिपीटिंग दैट, प्रोबेबिलिटी फंक्शन को जनरली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहते हैं। अच्छा, अब पीएमएफ कब कहते हैं? पीएमएफ उस वक्त कहते हैं जब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी फंक्शन हो। पीएमएफ की एब्रीवेशन है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। और अगर आपका रैंडम वेरिएबल कंटिन्यूस है तो इसको फिर हम एब्रीवेट करते हैं पीडीएफ से। पीडीएफ का मतलब है आपके पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। डेंसिटी का वर्ड जो एसोसिएट होता है ना जब कंटिन्यूस कोई चीज हो, यानी इंटरवेल हो, रियल नंबर हो, इस तरह से चीज आपके पास होती है, ठीक है। तो होपफुली थोड़ा आइडिया समझ आ गया होगा कि ये, अच्छा जी एक्स है, ये इसका फंक्शन है, इसको प्रोबेबिलिटी फंक्शन कहते हैं। डिस्क्रीट का होगा तो पीएमएफ, इट मींस प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। कंटिन्यूस का होगा तो पीडीएफ, ठीक है। यहाँ मेंशन कर दें कि पीएमएफ कब कॉल करते हैं, जब डिस्क्रीट की बात होती है, ठीक, और पीडीएफ कब कहते हैं, जब आपका रैंडम वेरिएबल कंटिन्यूस है। और कंटिन्यूस में बहुत आसान आइडिया है, मेजरमेंट का आइडिया होता है, यानी जो आपका रैंडम वेरिएबल होता है वो मेजरमेंट के साथ आता है। तो ये जी कंपेरिजन है, द प्रोबेबिलिटी फंक्शन एफ ऑफ एक्स प्रोवाइड द प्रोबेबिलिटी दैट द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल अज्यूम अ पर्टिकुलर वैल्यू। मतलब किसी पर्टिकुलर नंबर पर एफ ऑफ एक्स निकाल सकते हैं, फिर उसमें आपका कम्युलेशन भी आ जाएगा। कम्युलेशन में आप एटमोस्ट को डील कर सकते हैं, एटलीस्ट को डील कर सकते हैं, इस तरह की चीजें आ जाएगी। अच्छा, द एरिया अंडर द ग्राफ, इसमें पहले बताया था कि जो अगर आप इसके प्रीवियस पेज पे फिगर देखें तो यहाँ पे तो सेंस है कि अच्छा जी जीरो की जो हाइट है ना वो इसकी प्रोबेबिलिटी है। यानी मैं कहूँ एफ ऑफ जीरो क्या है तो मुझे इसकी हाइट देखनी पड़ेगी और वही इसकी प्रोबेबिलिटी है। मिसाल ये स्केल है हमारा प्रोबेबिलिटी का, तो इस तरह से फिर आपकी चीजें होंगी, सही है।
अच्छा, अब इसमें क्या होता है, आप सर्टेन, जैसे मैं कहूँ 0 से 1 का जो एरिया है, मतलब ये इंटरवल 0 से 1 में एक एरिया बनेगा आपके पास, तो ये जो एरिया है ये बेसिकली दर हकीकत 0 से 1 इंटरवल की प्रोबेबिलिटी होती है। तो आप ऐसे कह लें कि डिस्क्रीट में आप एक सिंगल नंबर प्रोबेबिलिटी कंप्यूट कर सकते हैं और एज वेल एज एक कम्युलेशन पे भी कर सकते हैं। कम्युलेशन से मतलब है आप एट मोस्ट एट लीस्ट या एक स्टार्टिंग नंबर से एक एंडिंग नंबर तक ले सकते हैं, ठीक है। इवन एक सिंगल नंबर पर प्रोबेबिलिटी निकल सकती है। जब आप डेंसिटी फंक्शन यानी कंटिन्यूस में आते हैं तो आपको इंटरवल चाहिए होता है। आप ऑलवेज इंटरवल की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, क्यों? एक सिंगल नंबर की प्रोबेबिलिटी जो होती है ना वो रेयर होती है, तो इस वजह से वो जीरो हो जाती है। तो ये आइडिया, जैसे देखें नंबर ऑफ हेड्स का, आपको अगर याद हो हमने टू कॉइन टॉसिंग में ये देखा हुआ है। आपको पता है ना टू कॉइन टॉसिंग में अगर हम रैंडम वेरिएबल नंबर ऑफ हेड्स इन टू ट्रायल्स अगर देखें तो उसमें जीरो होता है। जब बताएं नंबर ऑफ हेड्स किस आउटकम में जीरो होता है, जब आप एक कॉइन को दो बार टॉस करेंगे तो। हाँ जी, कौन सा ऐसा आउटकम है जब आपका एक्स जीरो हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ हेड्स जीरो हो जाएंगे? बताए जी, सोए नहीं जागे शाबर सर, जब दोनों बार टेल आए। दोनों बार टेल आए, ठीक है, टेल आए, यस सर, ठीक है। अच्छा, मैं जिससे पूछूं वो बताए, ये वन जो है ये कौन से आउटकम को देख के आप बता सकते हैं क्या आ सकता है? जी आप राम साहब, आप बताइए, मौजूद हैं या सो गए? राम कुकरेजा, ये लग रहा है लॉगिन होके सो गए, चलो ये एब्सेंट है। शफीकुर रहमान सर, जब नंबर ऑफ एक्स जो नंबर ऑफ हेड एक बार आए तो वो कौन कौन से आउटकम होंगे सोचे, यानी आपने कॉइन को डॉस किया तो पहले जेन में सैंपल स्पेस बना लें, तो ऐसे कौन से आउटकम है जब आपका एक हेड होगा, बताएं जरा उसको। जैसे उन्होंने कहा ना जब दो बार टेल आ जाए तो एक्स जीरो होगा क्योंकि एक्स यहाँ नंबर ऑफ हेड है। अब आप, मैंने पूछा है कि अगर एक्स यानी नंबर ऑफ हेड वन है तो वो आउटकम कौन कौन से है, किस तरह सर, किस तरह से हेड और टेल, इतनी बात हो गई और आप कह रहे हैं किस तरह से, कहाँ इन्वॉल्व है बेटा? जी हाँ, टू आउटकम्स होंगे। आप लोग एक तो पुरानी चीज भूल जाते हैं, ये बड़ा मसला है बेटा, मैं थोड़ा रिपीट कर रहा हूँ। अगर एक क्वाइन को दो बार टास्क करेंगे ना तो उसके सैंपल स्पेस में चार आउटकम होंगे, ध्यान से सुन लें। पहला आउटकम होगा हेड हेड, इससे मुराद है पहली बार भी हेड आया और दूसरी बार भी हेड आया। दूसरा आउटकम हेड टेल होगा, यानी पहली बार हेड है और दूसरी बार टेल है। और ये भी पॉसिबिलिटी होगी एज अ थर्ड आउटकम, पहली बार टेल आ जाए और दूसरी बार हेड आ जाए। और लास्ट यानी चौथा फोर्थ वन आउटकम होगा टेल टेल आपके पास, समझ आ रही बात? तो यानी हेड और टेल दो बार आएंगे इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी देखिए इनसे डबल है, 0.5 है। ये 1 out of 4 है, ये 2 out of 4 है, दैट्स वाई ये 0.5 है और ये आपका 1 out of 4 है। तो ये आपने किया था। अच्छा, अब यहाँ पर है कि अच्छा जी हम टाइम से रिलेटेड एक एग्जाम्पल ले लें। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सिंगल पॉइंट इज जीरो, वो बता चुका हूँ। यानी अगर आप कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में एक सिंगल पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी लेंगे, जीरो लेंगे, वो इसलिए लेंगे बहुत रेयर है, ठीक है। मैं एक मिसाल देता हूँ ताकि आप समझ जाएं कि कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में एक सिंगल नंबर पर प्रोबेबिलिटी जीरो क्यों होती है। मैं पहले लिख देता हूँ इस बात का मतलब क्या, ये देखें पहले आप। अच्छा भाई, एक्स पहले तो याद रखें कंटिन्यूस है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि एक्स की कोई स्पेसिफिक वैल्यू ए उठा लेता हूँ, ठीक है। अब मैं कहता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स जब वो ए के बराबर हो तो वो जीरो होगा। आपको इस थोड़ा सोचिए ये जीरो क्यों होगा। जी बताइए सर, जो हम है ना स्पेसिफिक पॉइंट की प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल सकते ना क्योंकि वो इंटरवल में होता है, वो इंटरवल में, एग्जैक्ट पॉइंट का हमें नहीं पता होता। चलिए ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं रिफ्रेश करता हूँ विद सम एडिशन। देखिये मैं एक मिसाल देता हूँ, मैं आप लोग अभी जितने भी बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं ना, तो मैं कहता हूँ एक काम करें, ऐसे कितने स्टूडेंट है या ऐसे स्टूडेंट जिनकी हाइट एग्जैक्टली 5.29 इंच हो, यानी 5 feet और फर्दर 0.29 इंच हो। आप कहेंगे एग्जैक्टली तो नहीं क्योंकि थोड़ा बहुत डेविएशन रहता है, हम इवन जो मेजरमेंट करते हैं वो भी एग्जैक्ट नहीं होता, थोड़ा सा एरर का मार्जिन रहता है। आप लोगों ने याद है फिजिक्स के प्रैक्टिकल वगैरह किए होंगे? जी याद है फिजिक्स के प्रैक्टिकल? अभी क्या है फिजिक्स में प्रैक्टिकल वगैरह? यस सर, डायमीटर वगैरह मेजर करते थे तो 3 रीडिंग्स या 5 रीडिंग या क्यों लेते थे वो रीडिंग्स, याद है?
इसीलिए ना आप हर बार देखिए मामूली सा डेविएशन जरूर आता था आपका, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते थे, एनवायरनमेंट भी होता है, कभी कभी आपका जो एपरेटस होता है वो होता है, कभी जो सब ऑब्जेक्ट है वो होता है। तो अगर मैं कहूँ अच्छा जी एग्जैक्टली वो एक नंबर आया होगा, उसके चांसेस बहुत रेयर होते हैं, रेयर समझ रहे हैं, ना होने के बराबर। अगर कोई चीज इम्पॉसिबल के करीब होगी तो डेफिनेटली उसकी प्रोबेबिलिटी किस पे कन्वर्ज हो रही होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी किसके बराबर हो रही होगी, जीरो के बराबर। तो अगर मैं कहूँ ना कंटिन्यूस इंटरवल में एक स्पेसिफिक नंबर होने की प्रोबेबिलिटी, वो बहुत रेयर होगी, और रेयर होने की वजह से उसकी प्रोबेबिलिटी जीरो होगी। ठीक है, होपफुली आइडिया समझ आ गया। अगर मैं बार बार कह रहा हूँ ये कंटिन्यूस में है बेटा, डिस्क्रीट में नहीं है, डिस्क्रीट में एक नंबर पर प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट करती है, कुछ ना कुछ जरूर होगी आपके पास, जीरो भी हो सकती है, जीरो से बड़ा नंबर भी हो सकता है। ओके, अब देखें यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पिज्जा डिलीवरी टाइम है, ये इस तरह से कर्व बनेगा और आप डिफरेंट इंटरवल पे प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। तो ये जस्ट कंपैरिजन है, ये जस्ट मैंने ग्राउंड बनाने के लिए सारी बातें की। अब हमारा टॉपिक अब शुरू हो रहा है, अब हम आ रहे हैं सबसे पहला जो बड़ा बेसिक काइंड का आप कह लें कि कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, वो यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या कंटिन्यूस यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। और इसका सेंस ये होता है कि आपका x जब किसी एक सर्टेन इंटरवल में कंटेन करें, इससे मुराद ये देखें ये x है, ये किसी सर्टेन इंटरवल में a टू b में, वो बताया जाएगा। सर्टेन जब कह रहे हैं तो उसका मतलब a भी पता होगा और b भी पता होगा हमें। तो उसमें सेंस ये होता है कि अच्छा जी आपका जो डेंसिटी फंक्शन है वो ऑलवेज फिक्स रहेगा। डेंसिटी फंक्शन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब हमारा x जो है वो एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कहते हैं और वो ऑलवेज एक कॉन्स्टेंट होता है, वन अपॉन बी माइनस ए। अच्छा, अब मैं इससे पहले एक बात करूंगा फिर इस टर्मिनोलॉजी को एक्सप्लेन करता हूँ, ये कोई मुश्किल चीज नहीं। अच्छा, ये फंक्शन ऑलरेडी डिराइव्ड है या बने हुए हैं, तो ये जैसे बाइनोमियल का था ना फॉर्मूला, आपने देखा अच्छा जी ये फॉर्मूला बाइनोमियल वाले केस में इस्तेमाल होता है, ये फॉर्मूला अगर पॉइसन हो तो आपका काम था जज करें और पैरामीटर्स के थ्रू देखें। इसमें भी पैरामीटर्स होते हैं, पैरामीटर्स को समझना पड़ता है, और दूसरा इसके जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यानी डेंसिटी फंक्शन का फॉर्मूला है उसको याद करना होता है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर मैं जस्ट लाइक एक आपको पॉइंट एक्सप्लेन कर दूं। अच्छा जी क्या पॉइंट था वो, हाँ पॉइंट याद आ गया, ये देखें मेरा अब आप लोगों से एक क्वेश्चन है, आप लोगों ने ये पढ़ा है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वैसे ही जरूरी नहीं है आई बी ए में पढ़ो, कहीं पे भी ये बताएंगे ये क्या है, किसी को भी आता हो और किसी को नहीं भी आता हो मैटर नहीं है, क्योंकि जस्ट एक रेफरेंस लिए यूज कर रहा हूँ। सर लाइन की इक्वेशन है, हाँ जी हमारी एक लाइन की इक्वेशन है और ये एक स्पेसिफिक फॉर्म में भी लिखी है, इस फॉर्म का नाम किसी को याद हो ऐसी जस्ट थोड़ा सा कनेक्शन के लिए, नहीं भी याद है मैटर नहीं इसका बेटा, कोई कनेक्शन के लिए किसी को भी आता हो, इसकी एक स्पेसिफिक नाम है कि ये स्पेसिफिक हालत में आपके सामने है फॉर्म में, बताएंगे सर लीनियर इक्वेशन, नहीं लीनियर तो है डन है, हाँ इसको इसको कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट, स्लोप सर स्लोप, मैं कब बता रहा हूँ सुने, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, एम एस में स्लोप होता है ठीक है और सी वाई इंटरसेप्ट होता है, मैं लिख देता हूँ बस थोड़ा सा रेफरेंस के लिए, कोई कहता है मुझे नहीं आता परेशानी नहीं, मैंने जो मेन बात थी वो बता दी, तो ये मैंने आगे भी एक रेफरेंस देना इसलिए बता दी। ये स्लोप है, स्लोप को भी थोड़ा सा बता दूं, ये लाइन का रेट बताता है, लाइन अपहिल है डाउनहिल है हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल है ये बताता है। जैसे मैं थोड़ा सा जो मैथ वाले बच्चे उनको मद्देनजर रखते हुए थोड़ा सा पूछ रहा हूँ, अगर अगर यहाँ पर हम कहते हैं कि जी स्लोप तो अनडिफाइंड है तो लाइन क्या होगी, मतलब मैं हिंट दे रहा हूँ अपहिल लाइन होगी डाउनहिल लाइन होगी वर्टिकल होगी या हॉरिजॉन्टल होगी, ये चार ऑप्शन है इनमें से बताएं, अगर एम अनडिफाइंड वर्टिकल सर वर्टिकल होगी वर्टिकल होगी वर्टिकल, शाबाश वेरी गुड। अगर एम अनडिफाइंड हो स्लोप अनडिफाइंड हो और आसान लफ्जों में आपने ऐसे पढ़ा इन्फिनिट हो तो वो वर्टिकल है। अच्छा जी अगर m प्लस में हो m पॉजिटिव हो पॉजिटिव कोई भी नंबर हो 1 हो 1.5 हो 5 हो 10 हो यानी प्लस का कोई भी नंबर हो ग्रेटर देन 0 हो तब लाइन क्या होगी, अगेन वही चारों ऑप्शन है अपहिल डाउनहिल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, अपहिल होगी अपवर्ड कह लें यानी जिसमें रेट पॉजिटिव होगा और अगर एम नेगेटिव होगा तो लाइन डाउनहिल होगी डाउनवर्ड। ठीक है, अब जो मेन चीज है जिस पर आ रहा हूँ जिसके लिए मैंने ये चीज आपका पिक भी किया है, ठीक है गुलाम मुस्तफा आवाज का इशू हो रहा है, अच्छा बेटा आवाज का किसी और का है इशू, नो सर मैं तो बिल्कुल माउथ पीस सामने रखता हूँ ताकि आवाज क्लियर जाए, आप बेटा अपनी साइड से चेक किया। अच्छा लास्ट ऑप्शन लास्ट चीज
जिस पर फिर हम अपनी मेन चीज पर आ रहे हैं। अच्छा m0 फिर क्या होगा? हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, शाबाश। यानी अगर m0 हो तो लाइन तो हॉरिजॉन्टल होगी। अच्छा ये जो हम मैंने अभी जनरल फॉर्म लिखी है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की, ये रिड्यूस होके ऐसे लिखी जाएगी y = c। हाँ जी आपने फंक्शन पढ़ा होगा, मैं थोड़ा सा रेफरेंस इसलिए दे रहा हूँ कि मैं मेन बात पे आ जाऊंगा। कॉन्स्टेंट फंक्शन पढ़ा है आपने? अगर आप इसको ज्योमेट्री में देखें तो ये एक लाइन है, मगर अगर आप फंक्शन में देखें ये कॉन्स्टेंट फंक्शन है। आप कोई भी एक्सपोर्ट करें इसका आउटपुट एक फिक्स कॉन्स्टेंट नंबर आएगा, वो क्या होगा? सी होगा। अब ये लास्ट वाले जो लिखा है ये याद रखे, मैं आ रहा हूँ इसके इसके लिए। यानी ऐसे कह लें अगर एफ ऑफ एक्स यानी जो कि वाई है वो सी के बराबर है, इन जनरल ज्योमेट्रिकली इसकी इंटरप्रिटेशन याद है, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, हाँ जी ये होगा आपका वाई बराबर सी के। ये हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहे हैं आपके पास? यस सर। तो ये वो पॉइंट है जो कि वाई इंटरसेप्ट है, जहां पर वाई एक्स तो जीरो और वाई किसके बराबर होगा? सी के। ये समझ आया आप लोगों का? जी यस सर। अब कट इट टू शॉर्ट, अगर हमारा y किसी कांस्टेंट नंबर के बराबर हो, अगर हमारा f of x किसी कांस्टेंट नंबर के बराबर हो, ज्योमेट्रिकली वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, ठीक है, और वो एज अ फंक्शन में आप उसको कांस्टेंट फंक्शन कह सकते हो, ठीक है। तो अब आ जाए, ये मैंने ये रेफरेंस इसलिए दिया क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें हमारा जो f of x है वो तो एक कांस्टेंट नंबर के बराबर है ना। हाँ जी, क्या कहते हैं इस बात पर? देखें ये बताएं, वन कांस्टेंट है, पहले ये मुझे बताएं। यस यस सर। मैंने कहा था सर्टेन इंटरवल में होगा, इससे मुराद है इसका एक स्टार्टिंग फिक्स पॉइंट होगा। जैसे मिसाल दे रहा हूँ ए टू है, और कोई स्टार्टिंग कोई एंडिंग पॉइंट होगा, जैसे मिसाल है बी टेन है। तो अगर आप देखें डिनोमिनेटर में आप b माइनस a कर रहे हैं 1/8, यस सर, तो ये भी तो कांस्टेंट होगा, और दो कांस्टेंट का डिवीजन अगेन क्या बनेगा? जब दो कांस्टेंट को डिवाइड करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? जैसे 1 को डिवाइड कर दे 1/8 से तो एक कांस्टेंट बनेगा, कांस्टेंट बनेगा, कांस्टेंट होगा। जेड के यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होती है वो एक कांस्टेंट फंक्शन होती है। और अभी हमने देख लिया अगर एक फंक्शन कांस्टेंट है तो उसका जो हमारा ग्राफ होता है यानी उस फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन यानी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ठीक है। अच्छा अभी थोड़ा सा बैक करूंगा, याद रखें इस कर्व के अंडर में जो एरिया होता है ना वो प्रोबेबिलिटी होती है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इन कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और इन अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, कर्व या जो ग्राफ है, इसको ग्राफ का लफ्ज भी कह देता हूँ, उसके अंडर में जो एरिया होता है वो आपकी प्रोबेबिलिटी होती है। तो अभी हम जिस फंक्शन को पढ़ रहे हैं वो एक कांस्टेंट फंक्शन है, उसका ग्राफ एक लाइन है, तो उस लाइन के अंडर में जो एरिया आएगा वो हमारी प्रोबेबिलिटी होगी। ये देखें अभी आ गया आपका, मैं जैसे ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये हमारा वाई एक्सिस है, हमने कहा इंटरवल सर्टेन है, सर्टेन का मतलब एक किसी कांस्टेंट फिक्स से शुरू होगा और किसी कांस्टेंट फिक्स पर एंड होगा। 1/b-a से मुराद ये लाइन है, ये देखिए ये आपके सामने जो मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ। हाँ जी, कर्सर मूवमेंट देख रहे हैं मेरी? कर्सर मूवमेंट आ रही है समझ में? ये लाइन देख रहे हैं? यस सर, यस सर। ये बेटा 1/b- है हमारा। अच्छा ये तो लाइन हो गई ना, ये तो डेंसिटी फंक्शन का ग्राफ हो गया, तो प्रोबेबिलिटी कहाँ गई? इसके अंडर में ये एरिया जो आ रहा है ना आपका, ये इसकी प्रोबेबिलिटी है। जी समझ आया आप लोगों को ये पॉइंट? यस सर। बस बेटा अब ये हमारा ग्राफ मिल गया, हम इसमें हमारा मेन इंटरवल तो ए टू बी है, बट हम इसके दरमियान के अंदर किसी भी इंटरवल के लिए प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, और हमारे पास ये जो फॉर्मूला है 1/b-a का, वो हम इस्तेमाल करके इसको निकालेंगे, ठीक है। ये देख लें, अब एक एग्जांपल है, अब ये पढ़ें जरा यहाँ से, आप लोग थोड़ा पढ़ें, दो मिनट में दे रहा हूँ, रीडिंग करें आप लोग।
जी पढ़ लिया आप लोगों ने. देखें इसमें मैं पूछना थोड़ा स्पेसिफिक होकर पूछूंगा, हमारा जो रैंडम वेरिएबल जो है एक्स वो क्या है, यानी उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है. फ्लाइट ऑफ एन एयरप्लेन. ठीक है, एयरप्लेन के हवाले से फ्लाइट टाइम का है आपका. ठीक है, स्पेसिफिक फ्लाइट टाइम हमारा रैंडम वेरिएबल है. टाइम मेजरमेंट वाला वेरिएबल है या काउंट वाला वेरिएबल है. टाइम मेजर होता है, मेजरमेंट. ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि अभी जिस वेरिएबल पर काम कर रहे हैं वो कंटिन्यूस है. ठीक है, अब क्योंकि रैंडम वेरिएबल के एस्पेक्ट में सारा देख रहे हैं तो डेफिनेटली ये कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, तो इसलिए कह रहे हैं कंसीडर द रैंडम वेरिएबल एक्स रिप्रेजेंटिंग द फ्लाइट टाइम ऑफ एन एयरप्लेन ट्रेवलिंग फ्रॉम शिकागो टू न्यूयॉर्क. ठीक है, सपोज द फ्लाइट टाइम कैन बी एनी वैल्यू इन द इंटरवल फ्रॉम 120 मिनट्स टू 140 मिनट्स. इसका बहुत आसान मतलब है कि शिकागो से न्यूयॉर्क जब भी आपका फ्लाइट ड्यूरेशन रहता है वो 120 मिनट से 140 मिनट. जैसे हम नॉर्मली नहीं कहते एक सिटी से दूसरे सिटी ट्रेवल करते हैं तो हम कहते हैं 3 घंटे लगते हैं, वो नॉर्मली मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना हम लोअर बाउंड बता रहे होते हैं कि अच्छा जी कम से कम 3. कभी अगर कोई कहता नहीं रेंज बताएं तो आप बता रहे होते हैं नहीं जी 3 से 4 घंटे का ड्यूरेशन रहता है हमारा. तो ये भी सेम वही सेंस है, अच्छा जी 120 मिनट्स टू 140 मिनट्स है. अगर आप ध्यान से देखें, मैं अब स्पेसिफिक होके पूछ रहा हूँ, ये यूनिफॉर्म है ये अभी बता दिया, आप मुझे जरा ए और बी की वैल्यू बता दें, यहाँ लिखा हुआ है क्लियर, ध्यान से सोचें. ठीक है, तो फ्लाइट टाइम एक्स है रैंडम वेरिएबल और वो इस सर्टेन इंटरवल में लाए कर रहा है 120 से लेकर 140 मिनट्स में. ठीक है, तो यूनिट भी आपका मिनट में हो गया. नाउ नेक्स्ट, बिकॉज़ द रैंडम वेरिएबल एक्स कैन अज्यूम एनी वैल्यू इन दिस इंटरवल, एक्स इज अ कंटीन्यूअस रादर देन अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, लेट अस अज्यूम दैट सफिशिएंट एक्चुअल फ्लाइट डेटा आर अवेलेबल टू कंक्लूड दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फ्लाइट टाइम within any 1 minute interval is the same as the probability of flight time within any other interval minute contained in the interval from one. अच्छा, अब sense पता है क्या है यहाँ पे, ये सिर्फ unification को बताना चाह रहे हैं. ये क्या कह रहा है, किसी भी इसने reference के लिए जो unit interval लिया हुआ है, unit interval समझ रहे हैं, 1 minute वाला interval लिया हुआ है. ठीक है, क्योंकि आपका जो यूनिट है वो मिनट में, तो यूनिट इंटरवल का मतलब 1 मिनट वाला इंटरवल. ये कह रहा है किसी भी सेगमेंट पे आप 1 मिनट का पोर्शन उठा लें, किसी भी सेगमेंट से मतलब है, अच्छा लाइन सेगमेंट समझते हैं आप लोग जी, मतलब 120 से 121 उठा लूं, 121 से 122 उठा लूं, कोई भी मैं इंटरवल उठा लूं ना 1 मिनट का, सबकी हाइट सेम है और वो सेम पता है कैसे, 1/20. अब कोई मुझे बताइए 1/20 बना कैसे, सोचिए जरा, अभी हमने इसका फॉर्मूला देखा है डेंसिटी फंक्शन, 140 - 1/b - a. शाबाश, ये जो हमारा है 1/b - a, b हमारा डेफिनेटली 140 है और ये 120 तो ये आ गया. अच्छा, अब अंडरस्टूड है 1/20 कांस्टेंट है, पहले बता चुका हूँ कांस्टेंट का ग्राफ जो होता है, अगर एक फंक्शन कांस्टेंट है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में ये हमारी वो कंटीन्यूअस लाइन है. ठीक है, और इसके अंडर में जो एरिया है वो हमारी प्रोबेबिलिटी है. ठीक है, तो ये जो शेडेड रीजन है ये हमारी प्रोबेबिलिटी है. तो ये आपको होपफुली आइडिया आप समझ आ गया होगा. अब हम किसी भी अब जैसे मैं कहूँ अच्छा जी क्या चांसेस हैं कि आपका फ्लाइट जो है ना वो 130 से लेकर 135 मिनट के अंदर लैंड करे, तो आप यहाँ से यहाँ तक की प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करके बता देंगे. प्रोबेबिलिटी कैसे कंप्यूट होती है, मैं बात करता हूं. उस पे थोड़ा सा वेट कीजिएगा, उस पे मैं बात करता हूँ. ये फिगर समझ आ गया, डेंसिटी फंक्शन समझ आ गई, तो यहाँ तक ठीक है. अब आ जाए इधर, ये देखें. अच्छा, जरा ध्यान से देखें, हमारा जो एंटायर ग्राफ है अलोंग विद दिस एरिया, बहुत आसान लफ्जों में क्या ये एक रेक्टेंगल बना रहा है या नहीं बना रहा है, यस और नो? और जो थोड़े से स्पेसिफिक मैथ लवर है उनके लिए भी बता दूं, एरिया अंडर द कर्व इंटीग्रेशन से भी निकलता है, ये आइडिया मालूम है? एरिया अंडर द कर्व इंटीग्रेशन से भी निकलता है, ये पता है किसी को इंटीग्रेशन का है आइडिया? सिर्फ आइडिया पूछ रहा हूँ, ये पार्ट नहीं है. चले नहीं सर, नहीं आइडिया. हाँ चले, मैं आपको शॉर्टली बता दूं, बट वो इसका कोई हमारे इस कॉन्सेप्ट का रेगुलर पार्ट नहीं है, बट वो साइड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. देखें, हमारे मैथ में एक सब्जेक्ट होता है कैलकुलस, तो वो उसमें एक काम ये भी होता है कि एरिया अंडर द कर्व निकालने में इंटीग्रेशन हेल्प करता है. ठीक है, तो अभी हमें इंटीग्रेशन की कतई जरूरत नहीं है. हमारा एक तो रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन है और रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन में सिर्फ और सिर्फ आपको लेंथ का पता होना चाहिए और विड्थ का पता होगा. विड्थ से मुराद यहाँ पे हाइट हो गई. अच्छा, अब एक और पॉइंट,
हाइट हमारी फिक्स है, हाइट की इंफॉर्मेशन भी मिल गई कि कोई भी सर्टेन इंटरवल के लिए जब भी हम हाइट लेंगे वो 1/20 होगी। तो सिर्फ और सिर्फ हमें क्या चाहिए होगा, हमें सिर्फ उस इंटरवल की लेंथ चाहिए होगी जिस इंटरवल पर हम 20 कंप्लीट कर रहे हैं बस। तो आसानी से हम एरिया निकाल सकते हैं इसका। और ये देखें इसने यही किया है, ये कह रहा था कि एरिया प्रोवाइडेड प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फ्लाइट टाइम बिटवीन 120 एंड 130 मिनट। अब मिसाल इसका क्वेश्चन एक एस्टेब्लिश किया गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इफ अ फ्लाइट लैंड्स बिटवीन 120 टू 130 मिनट्स। तो आप कहेंगे अच्छा जी ये तो सिंपली इट इज अ रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन, सो हाइट इज 1/20, वो हमें कहां से मिला, डेंसिटी फंक्शन से, और इंटरवल की लेंथ कितनी है, 10 है, तो जब हमने इसका रिजल्ट निकाला तो 0.5, यानी 50% चांसेस हैं कि आपकी एक फ्लाइट अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन वो 120 से 130 मिनट के दरमियान लाई करेगी। तो सिंपली अब मैं इसका फॉर्मूला आपकी आसानी के लिए लिख देता हूँ एक उस फॉर्म में। और मैं एक चीज अभी आप लोगों को थोड़ा सा मैं कुछ चीजें दिखाऊंगा अभी, वो ये सर ये थोड़ा रिपीट कर दे, ये बता रहा हूँ, मैं रिकमेंड करूंगा गूगल पे जो रिसोर्सेज है ना कैलकुलेटर उसको यूज करें, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, मैं अभी एक्सप्लेन भी करता हूँ। अच्छा जी एक्स हमारा जो है वो यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल है, ठीक है, तो और वो जो है हमारे पास इसका फंक्शन ऐसे डिफाइन होता है, ये भी लिख देता हूँ ताकि किसी को कंफ्यूजन नहीं। अच्छा जी जो हमारा एफ ऑफ एक्स है वो 1/b-a होगा, कब, व्हेन हमारा एक सर्टेन इंटरवल में द ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अ रैंडम वेरिएबल लाइज बिटवीन अ सर्टेन इंटरवल a टू b, एल्सवेयर अदरवाइज, ठीक है, अदरवाइज का मतलब है इसके अलावा एक्स कहीं पे भी लाई नहीं करता तो हमारा जो डेंसिटी फंक्शन है वो नथिंग, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, ये ए है बेटा, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अच्छा अब वो ग्राफ भी आपके सामने आ गया, अब मैं कहता हूँ अच्छा जी एक हम कहते हैं कि एक्स वन कोई भी स्पेसिफिक हमारे जो इंटरवल है जिस इंटरवल उसका लोअर उसकी लोअर लिमिट है, और हम कहते हैं ये कैपिटल एक्स जो कि हमारा यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल है वो किसी भी इंटरवल x1 और x2 में लाई कर रहा है। तो बहुत आसान सा फॉर्मूला अभी आपने देखा था, ये एक रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन है, हाइट या विड्थ से मुराद 1/b-a, तो ये आपका 1/b-a एज अ हाइट या विड्थ यूज हो जाएगा, और ये आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ जी रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं तो हाइट या विड्थ को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, लेंथ, लेंथ, तो इस इंटरवल की लेंथ क्या होगी जो इंटरवल हमने लिया जो x1 से स्टार्ट हो रहा है और x2 से, नहीं नहीं अभी अभी जनरल बताएंगे ना, अभी तो देखें वो x1 x2 माइनस x1 जी हाँ सिंपली ये फॉर्मूला है, ठीक है, कुछ आया समझ में, बस बेटा ये जनरल फॉर्मूला आ गया किसी भी इंटरवल की प्रोबेबिलिटी निकालने का। हाइट तो फिक्स होगी ना 1/b-a, वो तो आप देख लीजिएगा ए बी क्या गिवन है उससे बना लीजिएगा, और आप देखें आपको इंटरवल क्या गिवन है, ठीक है। अच्छा मेरा एक क्वेश्चन और है, अभी अब जरा ध्यान से इसका आंसर करना है, ठीक है, क्योंकि अगर आप ये समझ गए ना तो समझ लें फिर होपफुली इसमें और कुछ खास बताने के लिए मेरे पास शायद ना हो, सिर्फ दो पॉइंट और रह जाएंगे वो एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस। जरा मुझे इसका बताएं, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूं ये इसी इंफॉर्मेशन पे, सारी इंफॉर्मेशन ये सेम है, ठीक है, इन्हीं इंफॉर्मेशन को मद्देनजर रखते हुए मुझे अब इसकी इसका फॉर्मूला लिखवाएं। सर यहाँ जो जो सर बी ए ए से माइनस करेंगे ना x2 को x2 माइनस ए, अच्छा जी कौन सा आप फरमा रहे हैं क्या नाम है राजू जी x2 माइनस ए सर, हाँ हाँ वो तो है, आपका नाम क्या है सिराज अहमद, सिराज सर ठीक है बिल्कुल वेरी गुड, ऐसे ही है बेटा, हाइट सेम रहेगी क्योंकि हम मैंने कहा इन्फॉर्मेशन यही है तो हाइट 1/b-a है। अब जरा ध्यान से देखें, कोई बड़ी बात नहीं थी, सिराज साहब ने जल्दी वो जो ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ उसी से आइडिया पिक किया इन्होंने। मैं कह रहा हूँ मेरा एक्स जो है ना अप टू x2 है, तो डेफिनेटली ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा होगा, इसका लोअर इसकी लोअर लिमिट क्या होगी बताएगा कोई मुझे, ए होगी ना क्योंकि हमने पहले कहा ना हमारा तो जो डेंसिटी फंक्शन स्टार्ट ए से हो रहा है, तो ए से नीचे तो एक्स कभी भी नहीं जाएगा,
तो उसका ये मतलब हुआ x2 तो अपर लिमिट है, तो अपर लिमिट से जब भी लोअर लिमिट माइनस करते हैं ना किसी भी इंटरवल का, तो उसकी लेंथ मिल जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक इंटरवल है 2 से लेकर 5 तक, मैं कहूँ उसकी लेंथ क्या है, आप 5 में से 2 माइनस कर दे, आप आएंगे 3 यूनिट, के जी 2 से 5 तक का जो इंटरवल था इसकी इसका इसकी लेंथ इसका डिस्टेंस 3 यूनिट है। तो अब क्योंकि हमें पता है हमारा x a से बिलो नहीं हो सकता, तो x2 में से हम क्या माइनस कर देंगे, a माइनस कर देंगे। जी ये बात आई सबको समझ में? हाँ जी यस सर। बस बेटा ये आईडिया आपके पास, ठीक है। अच्छा अब इसी में अगर मिसाल के तौर पर क्या हुआ, समझ में नहीं आया? समझ में नहीं आया, चलें सिंपली देखें, हम ये ग्राफ बना लेते हैं और ये जी हम कहते हैं ए से हमारा स्टार्ट हो रहा है और ये हमारा बी पर एंड हो रहा है, ठीक है, और ये हमारी जो है वो हाइट है डेफिनेटली जो वन अपॉन बी माइनस ए, ठीक है, ये बी माइनस ए। अच्छा जी अब यहाँ पर एक पॉइंट एक्स टू है, हाँ जी, तो मैं कहता हूं कि मुझे इस वाले रीजन का एरिया चाहिए, कैसे निकालेंगे सोचें, लेंथ क्या है, इंटरवल कहाँ से कहाँ तक है पहले ये बताया, जिस इंटरवल का एरिया निकालना चाह रहे हैं उसके वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और एंड कहाँ पर हो रहा है। जी बिकॉज हमारा यूनिफॉर्म रेंडम वेरिएबल ए से बिलो नहीं हो सकता, वो हमने पहले कहा वो सर्टेन इंटरवल में होता है। अच्छा एंड कहाँ पर हो रहा है, एंड से मुराद वैसे तो बी पर हो रहा है बट अभी जिस इंटरवल पर काम कर रहे हैं उस इंटरवल पर अपर लिमिट कहाँ पर एंड हो रही है, एक्स टू पे, तो इसकी लेंथ क्या होगी, एक्स टू माइनस ए इसकी लेंथ होगी आपके पास, ये हमने यहाँ पुट कर दिया और हाइट फिक्स है जो विड्थ की तरह काम कर रही है वन अपॉन बी, ये हमारा एरिया आ गया जी, ठीक है बात समझ आई आप लोगों को। तो ये बाजुकात ये वाले क्वेश्चन भी होते हैं तो उसमें कोई आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए। अच्छा अगर आप देखें ये एटमोस्ट है, एटमोस्ट समझते हैं जी, एटमोस्ट भूल गए आप लोग, भाई मैं अभी प्रीवियस एग्जांपल ज्यादा से ज्यादा अभी प्रीवियस वाले पे मैं कहूँ क्या चांसेस हैं कि जी आपके पास एक फ्लाइट ज्यादा से ज्यादा 130 मिनट में लैंड कर जाए, आप कहेंगे 50% क्योंकि मिनिमम 120 है उसका, उससे पहले लैंड नहीं कर सकती, मिनिमम टाइम उसको 120 मिनट लगता है, मैक्सिमम 140 मिनट लगते हैं लैंड करने में, फ्लाइट ड्यूरेशन है। अब मैं कहूँ क्या चांसेस है ज्यादा से ज्यादा वो 130 मिनट तक आ जाए, तो आप कहेंगे जी स्टार्ट तो 120 से ही हो रहा है तो इसकी लेंथ 10 है और हाइट भी हो गई आपके पास, बिटवीन 120 से 130 एटमोस्ट भी कहला सकते हैं आपका, ठीक है। अच्छा जी इसी तरीके से अगर आपका एटलीस आ जाए, जैसे मैं मिसाल देता हूँ इधर देखें, अगर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी हो कैसे निकालेंगे, अगेन इंफॉर्मेशन वही सेम है, मैं फिगर बना देता हूँ बी माइनस एक्स वन, ठीक है, फिगर थोड़ी सी आउट हो रही है इसको समझ लीजिएगा, ए ये बी, ठीक है, ये यूनिफॉर्म वही सारा काम है बेटा, मैं डिटेल्स नहीं लिख रहा इस स्लाइड पे, ये ऑलरेडी वही चीज है जो पीछे से चल रही है वन अपॉन बी माइनस ए। अब मिसाल है ये हमारा एक्स वन था, अच्छा मुझे बताएं ये तो मैंने लाइन लगा के ये इसको कर दिया, तो मैंने राइट एरिया शेड करूं, डिजायर रीजन राइट वाला है एक्स वन से बी है या ए से एक्स वन है, कौन सा डिजायर रीजन है, एक्स वन से बी, बी तक, क्योंकि हमने कहा व्हाट इज द प्रायोरिटी व्हेन आवर यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल एक्स इज एट लीस्ट एक्स वन, यानी एक्स वन हो या एक्स वन से बड़ा हो, तो एक्स वन से बड़ी वैल्यू एक्स वन के राइट पे आएंगे, ये मैंने पूछा है, आपने कोई परेशानी नहीं है, अब आप कर सकते हैं इसको। अच्छा जी पहले आपने कहा हाइट लेंगे, हाइट तो आपको डेंसिटी फंक्शन हमेशा आसानी से प्रोवाइड कर देगा वन अपॉन बी माइनस ए। अच्छा अब जरा आप ध्यान से अगर देखें तो मुझे इस इंटरवल की लेंथ चाहिए, वही आसान सा फॉर्मूला, कोई इसमें कबाहत नहीं है, ये जो इंटरवल जिस पर हम प्रायोरिटी निकाल रहे हैं ये एक्स वन से शुरू हो रहा है और बी पर एंड हो रहा है, तो बी माइनस एक्स वन हो जाएगा आपके पास, ये बी माइनस एक्स वन, बस जी ये इसकी प्रायोरिटी आ गई। तो आप ऐसे ग्राफ बनाए, आपको ग्राफ से इलस्ट्रेशन आराम से मिलेगी, फॉर्मूला याद करने की भी इवन कतई जरूरत नहीं, और किसी को फॉर्मूला वर्क कर जहन में कर रहा है ठीक है, ग्राफ ना बने, आइडिया इज दैट कि आप फॉर्मूले से भी काम कर सकते हैं, आप ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन भी ले सकते हैं, और ये ग्राफ जो होते हैं ना ये जस्ट एक क्विक स्केच चाहिए होता है, इसको कोई आपने ना नीट एंड क्लीन नहीं बनाना होता है, एक आपने फ्री हैंड ग्राफ बनाना होता है कि क्विकली आपको जजमेंट, जैसे मुझे कितना टाइम लगा,
आई थिंक चंद सेकंड लगे ये ग्राफ ड्रॉ करने में और मुझे आइडिया मिल गया, अच्छा जी बी माइनस एक्स वन मेरे इंटरवल की लेंथ है, हाइट तो डेंसिटी फंक्शन ने बता दी, वन अपॉन बी, मैं ये कंप्यूट कर लूँ मुझे एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम आ रहे हैं इसकी और चीजों पर। तो अगर मैं कहूँ स्टार्ट में एम इंफॉर्मेशन, इसके इंटरवल के स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट, और ध्यान से सुन लें मैंने एक बात की थी, आप जब भी कोई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ें, यानी डिस्क्रीट में पढ़ें कंटिन्यूस में पढ़ें, तो हर एक के अपने पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, इसके पैरामीटर्स जो होते हैं वो आपके पास इंटरवल के जो लोअर और अपर लिमिट होते हैं वो होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ ये जनरल, अगर आप इसमें आ जाएं इस फॉर्मूले पर आ जाएं, अगर मैं कहूँ ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स क्या है, ये ए और बी है कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और एंड कहाँ से हो रहा है। ठीक है, पैरामीटर्स याद होगा, जैसे मैं रिकॉल करवा दूं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में नंबर ऑफ ट्रायल्स और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी की इंफॉर्मेशन, ये पैरामीटर्स होते हैं। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में एवरेज नंबर जो होता है वो आपका पैरामीटर होता है। हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में तीन पैरामीटर्स होते हैं, याद है किसी को वो कौन कौन से थे तीन पैरामीटर्स? ठीक है बेटा, शाबाश। अच्छा, ये जो दो प्रॉपर्टीज है ना, ये वही सेम है जो हम पहले भी बात कर चुके हैं। आपको प्रॉपर्टीज याद हैं? वैसे इन जनरल किसी भी प्रोबेबिलिटी मॉडल का के लिए कौन से दो रिक्वायरमेंट हमें लाजमी चाहिए होते हैं, वो याद है वो बता दें जी। यस सर, तो प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी एक्शन की वो ग्रेटर देन 0 हो, लेकिन उनका जो सम है वो इक्वल टू 1 हो। ठीक है, तो पहले तो मैं प्रोबेबिलिटी मॉडल में बता दूं, फिर डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा सा उस वही चीज होती है, थोड़ा सा उसको उसके हिसाब से बताना पड़ता है। पहली बात कि जब आप कोई भी प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट करें तो कोई भी जो आउटकम है ना उस एक्सपेरिमेंट की, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के दरमियान कोई भी हो सकती है। इंक्लूसिव कह लें एक्सक्लूसिव कह लें वो मैटर नहीं, ऊपर डिपेंड करता है इम्पॉसिबल इवेंट है या नहीं, इन शॉर्ट 0 से 1 के दरमियान होगी। सेकेंड, हर आउटकम जितने भी हैं इंडिविजुअल डिसजॉइंट आउटकम है उनकी प्रोबेबिलिटी का सम कर लें और वो सम किसके बराबर आ जाए 1 के। जब तक ये दो अजम्पशन सेटिस्फाइड नहीं होते, ये बहुत बुनियादी रिक्वायरमेंट है, थोड़ा सा आसान लफ्जों में कहूँ ट्रिवियल है, मतलब होने ही चाहिए वरना प्रोबेबिलिटी डिफाइन नहीं होगी। ठीक है जी, क्योंकि हमारा स्केल 0 से 1 का है तो आपको फिर बात समझ में आ गई होगी कि ये फिर अजम्पशन क्यों है। अच्छा, अब यही बात जब हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में करें, चाहे वो PMF के लिए हो यानी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के लिए हो, या PDF के लिए हो यानी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के लिए हो, तो सेम वही है कि जी पहला किसी भी x पर जो भी प्रोबेबिलिटी होगी वो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी। तो आइडिया इज दैट इसके ग्राफ बनते हैं ना, अभी मैंने बताया था, तो आपका जो ग्राफ होता है ना यानी y आउटपुट वो ऑलवेज नॉन नेगेटिव होगा, वो 0 से बिलो नहीं होगा। तो आप इवन ये देखें ये वाला ग्राफ, अगर हमने एक जेनेरिक जो ग्राफ बनाया, और आगे आप नॉर्मल वगैरह भी देखेंगे, आपका जो ग्राफ है ना ये कर्व कह लें आसान लफ्जों में, ये कभी भी एक्स एक्सिस से बिलो नहीं होगा, इसको ऐसे समझ लें, क्योंकि y आपका नॉन नेगेटिव है, एफ ऑफ एक्स से मुराद y है, y नॉन नेगेटिव है, तो आपका कर्व कभी भी एक्स एक्सिस के बिलो नहीं आएगा, आसान लफ्जों में योर एफ ऑफ एक्स इज नॉन नेगेटिव। ठीक है, सेकंड ये डिस्क्रीट लिखा है यही एज वेल एज आप कंटिन्यूस के लिए भी कहते हैं। सेकंड है, आपको याद होगा कि डिस्क्रीट में तो आप कहते थे ना सारे एक्स वैल्यू का सम 1 के बराबर होना चाहिए, मैं थोड़ा लिख के बताता हूँ क्योंकि हमारे यहाँ मस्त मलंग बाबा लोग भी हैं। मस्त मलंग बाबा याद है ना कौन होते हैं? हम कह रहे हैं कि जितने भी एक्स हैं उन सबकी प्रोबेबिलिटी का सम कर लें, वी विल गेट 1। ठीक है, अच्छा रिमेम्बर यहाँ पर जो ये एक्स है ये पॉसिबल वैल्यू है इस रेंडम वेरिएबल एक्स की, और ये हमारा एक्स रेंडम वेरिएबल डिस्क्रीट है। ठीक है, अच्छा अब इसको थोड़ा सा मैं आसान करता हूँ, आसान मतलब इसका एक एनालॉग देता हूँ। अगर x कंटिन्यूस होगा तो आपको पहले बता दिया था कि एरिया अंडर द कर्व इंटीग्रेशन से निकलता है, तो उसका सेंस ये है कि वो पूरे जो एंटायर इंटरवल पे a से b पे जो पूरा एंटायर इंटरवल पे f ऑफ x यानी वो सारे एरिया जो होगा वो कम्युलेटिव जो होगा वो किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। तो ये बेटा डिस्क्रीट में था, और ये वाली बात तो दोनों के लिए कॉमन है कि जी आपका एफ ऑफ एक्स यानी प्रोबेबिलिटी का आउटपुट जो होगा ना वो नॉन नेगेटिव होगा। नॉन नेगेटिव समझते हैं 0 से लेस,
तो ये assumption तो दोनों में, ये assumption भी same ही है, but discrete में आप याद रखें sum करते हैं, ऐसे कह लें discrete में collection करने के लिए, aggregate करने के लिए sum करते हैं, continuous में entire को collection करके एक पूरे area को मिला के दिखाना होता है तो integrate करते हैं। अच्छा again आपको integrate से कोई वास्ता नहीं, this is just assumption, क्योंकि हम यहाँ पर जितने भी distribution देखेंगे उनके formula और हम formula से हल करेंगे उनको, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम अपने फर्दर आइडिया पे, और वो फर्दर आइडिया क्या है कि जी मीन जैसे हमने बात की थी कि हर रेंडम वेरिएबल का मीन और वेरिएंस होता है, तो इसी तरह यूनिफॉर्म का भी है। अच्छा मैं थोड़ा सा ना रिकॉल करवाना चाहूंगा, क्योंकि मैं बाइनोमियल का रेफरेंस इसलिए दूंगा, वो थोड़ा आप लोगों को बताना आसान है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन याद है कैसे कंप्यूट होता था? अभी मैंने इवन स्टार्ट में उसको एक्सप्लेन भी कर दिया था, ठीक है ना, कि नंबर ऑफ ट्रायल्स को प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस से मल्टीप्लाई कर लें तो आपको वो उसका मीन मिल जाएगा। और वेरिएंस कैसे निकालते थे? सर एक्स माइनस ब्रैकेट 1 माइनस बी होल स्क्वायर, वो तो जनरल हो गया। बाइनोमियल का कैसे निकालते हैं, उसका फार्मूला है n into p माइनस p, ठीक है, शाबाश। n into p into 1 minus p, जिसको आप q भी कह सकते हैं, 1 minus p को बताया था q से भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो बेटा वो वेरिएंस है ना, तो आसान लफ्जों में ये दोनों फॉर्मूले इनके जनरल फॉर्मूले से ही ड्राइव हुए हैं, वो भी मैं एक आइडिया दे चुका। अब कट इट टू शॉर्ट, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन नंबर होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ x ऐसे डिफाइन होता है a plus b upon 2। बना कैसे, जो मैथ लवर है वो देख सकता है, बहुत आसान है, इंटीग्रेशन से ये डेरिवेशन आ रही है सारे। a प्लस बी अपॉन टू होता है, a क्या है लोअर लिमिट, b अपर लिमिट, सम करके 2 से डिवाइड कर दें, यू विल गेट आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन 2। और ये वेरिएंस का फॉर्मूला है b माइनस a होल स्क्वायर अपॉन 12। अगेन इसको भी अगर आप करना चाहें, ये बहुत से बच्चों को क्यूरी होती है 12 कैसे आ गया, तो ये जो इसकी डेरिवेशन है वहां से आता है, कैलकुलेशन से आता है। और मैं थोड़ा सा ना एक आइडिया दे देता हूँ, अगर जिसको इंटीग्रेशन पता है वो उसको फिर देख सकता है। इसकी डेरिवेशन तो खैर बहुत ही आसान है, तो वो तो थोड़ा सा आप एक्सप्लोर खुद भी कर सकते हैं। देखें, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स कंटिन्यूस में, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं लिख देता हूँ क्योंकि मलंग बाबा लोग बाजू का ऐसा नहीं है, वो बाद में पढ़े तो वो क्या समझे। एक्स बेटा हमारा कंटिन्यूस है, तो इसकी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वही सेंस होगी एक्स मल्टीप्लाई बाय f of x। अब remember discrete में sum करते थे, बेटा यहाँ discrete नहीं है, continuous है, तो आप इसको integrate करेंगे। और किसके respect से integrate करेंगे, ये dx का एक idea होता है कि जी किस respect से हो रही है x के, तो ये आप करेंगे आपको expectation है। तो हम क्योंकि integration, because being a social science student, आप लोगों को इसकी जरूरत नहीं कि आप इस तरह करें, बट जब आप इस formula में ना पता है क्या करेंगे, मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, जिनको इंटीग्रेशन पता है वो एक स्टेप में आंसर भी निकाल सकते हैं। x तो है कि जी वी आर फाइंडिंग द एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस रैंडम वेरिएबल x, तो x इस वजह से आया। f ऑफ x डेंसिटी फंक्शन है, तो यूनिफॉर्म की डेंसिटी फंक्शन आपको अभी बताया 1 अपॉन b माइनस a होती है आपके पास, अगर a टू b पे डिफाइन हो। अच्छा 1 अपॉन b माइनस a कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन साइन से बाहर रखते हैं, ठीक है, और आपने x को इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट से। ये सॉल्व कर लें तो आपको फाइनली जाके ना, अब मैं ये सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है ये आपका ना काम है ना पार्ट है, बट ये उनके लिए जो थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हो, a प्लस बी अपॉन टू ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है, यानी आफ्टर सॉल्यूशन यू विल गेट दिस रिजल्ट। तो इसी तरह रिजल्ट कैसे बना उस पर भी बात हो सकती है, बट आपके पास जिनको इंटरेस्ट है वो उसको देख लें, ठीक है, क्योंकि अभी मैं अगर ये बताने लग जाऊं तो बहुत से बच्चों को इंटीग्रेशन। अच्छा सेम वेरिएंस का आइडिया, वेरिएंस का फॉर्मूला हम लेके इसको कर लेंगे वेरिएंस का, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। तो अभी आपको कट इट टू शॉर्ट, यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल की मीन के लिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, प्लस बी अपॉन टू, और वेरियंस के लिए बी माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन 12 यूज करना है। और बेटा जैसे ही आप वेरियंस निकाल लें तो आपको पता है आप स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाल सकते हैं आप जी, कि आप उसको स्क्वायर रूट ले, अंडर रूट कर, जी हाँ सही है। तो ये आपके पास आइडिया है, और क्वेश्चंस जैसे वन ले लिया गया आपके पास, चले हम देख लेते हैं। ये यूनिफॉर्म था हमारा, यूनिफॉर्म इतना मुश्किल नहीं, बहुत सिंपल काइंड का है, रेक्टेंगल का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होता है, तो होपफुली आपको बॉदर नहीं करेगा। जैसे एक पहला मेथड का क्वेश्चन देख लेते, ये कहता है
The random variable x is known to be uniformly distributed between 1.0 and 1.5. Show the graph of the probability density function. Compute probability of x when x is equal to 1.25. Compute probability when your x lies between 1.0 and 1.25 inclusive. Compute probability of x when your x lies between 1.20 and 1.5 in exclusive. तो ये आप ग्राफ बना सकते हैं. ये जो ग्राफ कह रहा है ये कुछ भी नहीं है, ये आपने जैसे 1 अपॉन बी माइनस ए का स्केच देखा था वैसे आप इसका भी बना सकते हैं. तो देखे ना, पहले तो आपने कहा ए 1.0 और बी 1.5 है, तो पहले आपने इसका डेंसिटी फंक्शन बना लिया. ये ऐसे बना 1 अपॉन बी माइनस ए, 1 अपॉन 1.5 माइनस 1.0, 1 अपॉन 0.5, तो ये 2. तो ये जी आपके पास ग्राफ आ गया. अच्छा, ये वर्टिकल सेंस में ये रहा 1 से 1.5, ये 2 और ये आपका ग्राफ. ठीक है, तो ये ग्राफ तो आप वैसे भी, ज़रूरी नहीं ऐसे कोई सॉफ्टवेयर वगैरह से बनाए, तो ये तो आप आसानी से उसको, जैसे मैं अभी इसी के लिए स्केच दिखा देता हूँ, तो उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है. जैसे आईडी आपका माइंड बिल्डअप करवाना था कि अच्छा जी ये आप कैसे, तो जी हमारे पास ये, हम कहते हैं ये 1 है, ठीक है जी, और मैं स्पेसिंग को अगर मैं कहता हूँ ये 2 है, तो ये 1.5 हो गया मेरा, ठीक है, और ये मैं कहता हूँ जी 2 है, तो अगर आप ध्यान से देखें ये है, ये रेक्टेंगल, रेक्टेंगल किसी भी फॉर्म में हो सकता है, क्योंकि इसमें एंटायर इंटरवल में लेंथ ये कम थी, ये ज़्यादा थी, तो ये आपका आ गया जी, ठीक है. तो इस पर डिफरेंट रीजन पे आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं जैसे वो आपसे पूछा जाए, ठीक है. अच्छा, वो जैसे उसने कहा था ना कि एक पे, उसने तो खैर इंटीग्रेशन से क्या है, मैं आपको इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट पे ले जाना ही नहीं चाहता क्योंकि आप लोग के लिए है भी नहीं. बहुत आसान लफ्जों में अगर आप इसको छोड़ें, आप क्वेश्चन पर आ जाएं, ज़रा आप ध्यान से देखें, ये जो वन क्वेश्चन था हमारा, इस वन क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू पार्ट बी, ठीक है ना, कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इज इक्वल टू 1.25 इन कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन. एक सिंगल नंबर प्रोबेबिलिटी क्या होती है, अभी बताया था मैंने आप लोगों को, जीरो होती है सर, जीरो होती है. ठीक है ना, एक इंटरवल में आप कहें ना कि एक इंटरवल में एक स्पेसिफिक रैंडम वेरिएबल ऑब्जर्व हो, बहुत रेयर चांस होते हैं, दैट्स व्हाई उसकी प्रोबेबिलिटी जीरो होती है. और इवन वो यहाँ पे जो सॉल्यूशन आपके सामने है ना, वो इंटीग्रेशन का जो जनरल आइडिया, उससे इस पे इंटीग्रेट किया और वो जीरो आ गया, उससे देख लें, वरना आप उसको ऐसे समझ लें. अच्छा, ये दो इंटीग्रेशन यूज कर रहे हैं, मैं रिकमेंड करूंगा 1.20 से 1.25 का निकालना है, तो देखें इस इंटरवल की लेंथ 0.25 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको प्रोबेबिलिटी 0.5 मिलती है. हाँ जी, मुझे एक बात बताएं, ये जो इंटरवल है आपका 1.0 से 1.25, तो इस इंटरवल की लेंथ क्या है, बताएगा कोई मुझे पार्ट सी में? 0.25. और हमारा पीडीएफ 2 के बराबर था, तो 2 को 0.25 से मल्टीप्लाई कर दें. अच्छा, 0.2 और 1.5 जो है 0.3, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 0.6 हो जाएगा, 0.3. ठीक है, तो आइडिया सिंपल है ये. अभी मैं जस्ट लाइक आप लोगों को, अभी ये छोड़ें, चलें ये पढ़ें, आप 5 पढ़ें, इसको फिर हम डिस्कस कर रहे हैं, बहुत आसान है, मैं ये वर्बली हम इसको यहीं डिस्कस कर लेंगे, जो लिखना हुआ मैं एक्सप्लेन करूंगा. 5 को पढ़ें सर. हम इंटीग्रेशन यूज नहीं करेंगे? नहीं नहीं जी, आप फार्मूला यूज करेंगे, आपको इंटीग्रेशन से बस एरिया वाला फार्मूला यूज करना है. जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल. और इवन मैं भी आप लोगों का काम और आसान भी करवाता हूँ, या आप जरा एक क्वेश्चन डिस्कस कर लें, मैं आपको रिकमेंड करूंगा, क्योंकि अभी आप जिस मोड में क्लासेस ले रहे हैं और जिस मोड में पेपर दे रहे हैं, तो आप लोग तो इवन मैनुअल कैलकुलेशन अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए भले जरूर कर ले, मगर मैं प्रेफर करूंगा सॉफ्टवेयर या ऑनलाइन रिसोर्सेज को यूज कर. मैं अभी जैसे कुछ काम दिखाऊंगा आप लोगों को. 5th क्वेश्चन को रीड करें और समझे.
जी क्वेश्चन आपके सामने एप्पल आईपैड से रिलेटेड है. कुछ फीचर्स बताए गए कि लाइक जब वो इंट्रोड्यूस करवाया गया तो पर्पस क्या था, वेट कम था उसका, 50% लाइटर था स्टैंडर्ड आईपैड से, और फिर डिफरेंट टेस्ट ने रिजल्ट शो किया कि जो एवरेज लाइफ टाइम है वो 10.25 आवर्स है. मतलब ये टेस्ट के रिजल्ट से ठीक है. अब आगे वो अज्यूम करके ना फंक्शन पर आ रहा है जिस फंक्शन से हमने काम लेना है, यानी यूनिफॉर्म की बात कर रहा हूँ. तो शुरू में सारी इंफॉर्मेशन या जो भी कह लेंगे एम्पेरिकल रिजल्ट से वो थे आपके पास, ठीक है जी. एम्पेरिकल समझ रहे हैं, व्हाट डू यू मीन बाय एम्पेरिकल रिजल्ट्स? एम्पेरिकल रिजल्ट्स किसे कहते हैं, कुछ है आइडिया? वैसे सुने ये जनरल टर्मिनोलॉजी, कोई स्टेट से नहीं, हर चीज को स्टेट से कंफ्यूज. क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, एम्पेरिकल अभी उससे रिलेट नहीं है. अभी मैंने कहा देखें कुछ चीजें जब हम फाइंडिंग्स बताते हैं ना, वो ऑब्जर्वेशंस जो मिल जाते हैं उसकी बेस पर, ठीक है. यानी ये जितने भी वो बता रहे ना, 11 ऑन्स बनाया गया, 50% लाइटर रखा गया, और बैटरी टेस्ट का रिजल्ट एम्पेरिकल था, यानी ऑब्जर्व रिजल्ट आ गया मीन लाइफ टाइम का वो 10.25 आवर्स, ठीक है. अब वो आ रहा है उस फंक्शन पे जिससे काम लेना चाह रहा है. अज्यूम दैट बैटरी लाइफ ऑफ द आईपैड मिनी इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन दीज नंबर 8.5 एंड 12 आवर्स, ठीक है. यानी सेंस क्या है कि अज्यूम करेंगे जो बैटरी लाइफ है वो कम से कम 8.5 घंटे चल रही है और ज्यादा ज्यादा 12 घंटे चल रही है. तो पार्ट ए में कहता है गिव अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द प्रायोरिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ बैटरी लाइफ. बताएं ये कैसे लिखूं, अगर मिसाल है ये मैं कहता हूं आप सॉल्व करें, ऑल्दो अभी फिलहाल जरूरत तो नहीं है, बट मैं कहता हूं चलिए ये बताएं. तो पार्ट ए हम कैसे करेंगे मैथमेटिकल, देखें ये होगा एफ ऑफ एक्स वन अपॉन बी माइनस ए. अब मैं डायरेक्ट वो नंबर लिखूंगा ना, तो वन अपॉन बी माइनस ये जो हमारा आउटपुट है ये कब होगा, व्हेन, जब हमारे एक्स कहां से कहां तक लाई करेगा 8.5 से लेकर 12 तक. अदरवाइज अदरवाइज फंक्शन होगा या नहीं होगा? जीरो होगा सर. जीरो मतलब एग्जिस्ट नहीं करेगा, नथिंग है तो वो जीरो हो जाएगा. ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, इसको भले आप सिंपलीफाइड फॉर्म में लिख लें, 12 में से 8.5 माइनस करें क्या बचेगा, तो ये 1 अपॉन क्या लिखना है 3.5 का चलें इसी फॉर्म में रखें फ्रैक्शन में तब भी ठीक. 3.5 को फ्रैक्शन में लिखते हैं 0.286. अच्छा 3.5 को मेरा ख्याल है 7/2 लिखते हैं ना जी, फ्रैक्शन पूछ रहा हूँ 3.5 का. यस तो 7 अपॉन 2, 2 ऊपर आ जाएगा तो ये आप लिख सकते हैं 2 अपॉन 7. समझ रहे हैं, डिनोमिनेटर में 2 अपॉन 2 होगा, जब मैं 2 को ऊपर पहुंचाऊंगा तो मल्टीप्लाई होगा 2 अपॉन 7, तो ये चीज आप 2 अपॉन 7 से भी रिप्लेस कर. ये बेटा इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है, और इवन आप ग्राफ से भी आइडिया दे सकते हैं, ठीक है. अब मिसाल के तौर पर ये मैंने दो लाइन लगा दी, जैसे क्योंकि बताया था ना लॉन्ग डिस्टेंस को ऐसे लाइन से कवर करते हैं, ये मैंने 8.5 दिखा दिया, ठीक है जी, एक फ्री एंड टाइप का ग्राफ. ये मैंने जी 12 दिखा दिया, ठीक है जी, और ये मैं कहता हूँ हाइट है हमारी जो कि 2/7 के बराबर है, ये थोड़ा सा आउट हो गया, ये ले लें और ये, ठीक है जी, और ये हमारी हाइट है जो कि 2/7 है, तो ये जी हमारा ग्राफ भी आ गया इसका, ठीक है. होपफुली आइडिया क्लियर होगा आप लोगों को. चलें तो अब हमारे पास क्विकली करते हैं, अब कोई मुश्किल नहीं. अब लास्ट चीज है जिसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, व्हाट इज द प्रायोरिटी दैट बैटरी लाइफ फॉर एन आईपैड मिनी विल बी 10 आवर और लेस. हाँ जी, तो मुझे बताएंगे कि इसमें इंटरवल की लेंथ क्या होगी. हाइट तो 2/7 है, याद रख रहे हैं, 10 आवर्स और लेस का है इसने 1.5. हाँ जी 1.5 देख लें, मैं क्विकली बस लिख रहा हूँ, x लेस देन इक्वल टू 10 लिखेंगे, ठीक है. हाइट हमें पता है 2/7 है, अभी हम निकाल चुके हैं, और वो मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, एरिया का जो फॉर्मूला, हाइट 2/7 और इंटरवल की लेंथ, तो ये जो भी रिजल्ट है ये कंक्लूड कर लीजिएगा. समझ आया ये आप लोगों को, 3/7 जो भी बने फिर ये, ठीक है. होपफुली ये आइडिया क्लियर होगा आप लोगों को, ठीक है. चले नेक्स्ट पर आते हैं हमारे पास. व्हाट इज द प्रायोरिटी दैट द बैटरी लाइफ फॉर एन आईपैड मिनी विल बी एटलीस्ट 11 आवर्स. एटलीस्ट 11
12 माइनस 11 होगा तो 1 मतलब 2 बाय 7 टू 1 तो एटलीस्ट में कौन सा सिंबल दूं लेस और इक्वल या ग्रेटर और इक्वल ग्रेटर और इक्वल और इक्वल लेस और इक्वल नहीं बेटा एटलीस्ट एटलीस्ट का मतलब है कम से कम 11 से शुरू हो रहा है ठीक है मिनिमम दिस नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 11 दिस लाइफ टाइम ऑफ बैटरी स्टार्ट्स फ्रॉम 11 आवर्स और एंड कहां पर होगा डेफिनेटली 12 से ऊपर जाएगा नहीं 12 तो यहाँ हाइट तो आपको पता है हम निकाल चुके 2/7 है और ये 12 माइनस 11 यानी 1 हो जाएगा ठीक है जी क्योंकि ये स्टार्ट 11 से हो रहा है एंड डेफिनेटली 12 पे होगा तो 12 माइनस 1 1 ये आ जाएगा आपके पास ठीक है yes, अच्छा जी अब ये कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बैटरी लाइफ फॉर एन आईपैड मिनी विल बी बिटवीन 9.5 एंड 11.5 आवर्स तो 2/7 किससे मल्टीप्लाई होगा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ठीक है तो 2/7 ये मैं एक्सप्रेशन लेफ्ट की नहीं लिख रहा वो लिख लीजिएगा और 2/7 हाइट थी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन था मल्टीप्लाई हमारा 2 से हो जाएगा ठीक है अगर मिसाल है आप देखें एक्सप्रेशन ये होगी आवर एक्स लाइज बिटवीन 9.5 एंड 11.5 आवर्स तो इसका मतलब हमने ये जानना चाहे 9.5 से लेकर हमारा जो x यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल है वो 11.5 ठीक है जी अच्छा अब लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं उसमें थोड़ा सा अगर आप सोच के बताएंगे तो आसान हो जाएगा क्वेश्चन वो भी मुश्किल नहीं है इन अ शिपमेंट ऑफ 100 आईपैड मिनीज How many should have a battery life of at least 9 hours? क्या करेंगे कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सर वो वैसे ही करेंगे मतलब के probability is x greater than equal to 9 interval में करेंगे तो बस फिर वही आंसर होगा 2/7 ठीक है 2/7 वो तो आ जाएगा कि अच्छा जी आ बैटरी लाइफ ऑफ एटलीस्ट 9 आवर्स तो हम कहेंगे अच्छा जी 2/7 को मल्टीप्लाई कर दें 12 माइनस 9 से यानी 3 से हो गया तो फिर यही आंसर है और तो नहीं है ना कुछ सर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे सर 100 तो लिखा हुआ है तो वही तो कहना चाह रहा हूँ 100 का काम क्या है कैसे मतलब 100 दे रहा है शायद कुछ तो यूटिलिटी मल्टीप्लाई करेंगे उसकी क्वांटिटी दे रहा है इसकी क्वांटिटी मांग रहा है प्रोबेबिलिटी तो इसलिए निकालेंगे पहले तो आप कहेंगे ना सपोज एक रैंडमली सिलेक्टेड बैटरी है और वो एटलीस्ट 9 आवर्स चलती है आप उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लें फिर उसने हाउ मेनी पूछा ऐसे कितने आउट ऑफ 100 तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें ठीक है तो सर पहले देखें हाँ जी तो पहले इसको आप जैसे अगर मैं कहूँ अगर करना था तो पहले तो आप एटलीस्ट 9 आवर्स जो है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ठीक है और वो कैसे निकालेंगे हाइट पता है वो बार बार एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं हमने ड्राइव किया था 2/7 है मल्टीप्लाई बाय अब एंड 12 पर हो रहा है तो अपर लिमिट 12 है 9 ही आ जाएगा ठीक है तो 12 माइनस 9 कितना हो गया 3 3 इनटू 6 6/7 हो जाएगा यस सर अच्छा कितने बैटरी हाँ जी तो पहले ये टाइटल लगा दें फॉर 100 iPads के लिए हमें कैलकुलेट ये तो एक का आ गया ना कि एक रैंडमली सिलेक्टेड अगर आपके पास बैटरी आईपैड हो तो उसकी बैटरी 6/7 एटलीस्ट 9 ये है तो फॉर 100 के लिए क्या करेंगे 100 जो है आपके पास वो मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 6/7 तो हाउ मेनी पूछा था उसने कितनी क्वांटिटीज तो वो आ जाएगी तो ये नंबर अप्रोक्सीमेटली जो भी बनेगा हम वो बता देंगे ठीक है जी बात आई समझ में आप लोगों को यस सर ठीक है तो अभी 10 मिनट का आई रिलैक्स ब्रेक करें बल्कि 13 मिनट का कर लें 4:30 पे मिलेंगे और आप लोग लॉग ऑफ नहीं होइएगा मैं फिर अटेंडेंस ले रहा हूँ ठीक है जी सर 15 मिनट का कर देना 13 मिनट हो गए ना 4:30 पे मिलते हैं ठीक है बच्चा 4:30 पे 4:17 13 मिनट एड करके आ जाइएगा लॉग आउट नहीं होइएगा जी
डाउन करूं ओके जी वेलकम अगेन और स्टार्ट करते हैं। पूरे 15 मिनट ब्रेक भी हो गया आप लोगों का, तो यूनिफॉर्म कर लिए। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ये है कि ड्यूरिंग एनी लाइक आपके पास इंटरवल ड्यूरिंग एनी स्पेसिफाइड इंटरवल आपके पास आपका डेंसिटी ये फंक्शन कहता है फॉर एनी एक्स आपका जो अक्रेंस का चांसेस है वो सेम है। ये आइडिया यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए कहते हैं। जैसे हम कहें इफ एक्स लाइज बिटवीन 120 टू 140 देन द एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एट एनी एक्स एफ इज इक्वल टू 1/20। दैट्स व्हाई वी गॉट अ स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन और फिर हम बिकॉज इट वुड बिकम अ रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन तो रेक्टेंगल के एरिया के फॉर्मूले से आप डिफरेंट एरियाज की प्रोबेबिलिटीज निकाल सकते हो। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स से मतलब है कि जी मीन ऑफ द यूनिफॉर्म रेंडम वेरिएबल तो ए प्लस बी अपॉन टू कर सकते हो। वेरियंस के लिए आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो ये आइडिया था। और भी क्वेश्चंस देखिएगा, मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्वाइट ईजी है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। बट जहन में ये रखें कि अब जो हम कर रहे हैं वो कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी हमारा जो रैंडम वेरिएबल है वो एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है। ठीक है, ओके। नाउ कम टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मैं स्टार्ट से पहले एम्फेसाइज करूंगा कि इस डिस्ट्रीब्यूशन को बहुत समझ कर और अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़े। आगे आपकी स्टैटिकल स्टडी और स्पेसिफिकली मैं अगर कहूँ कि आप जब स्टैटिकल इन्फेरेंस पढ़ोगे नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा आपको इस्तेमाल होता हुआ नजर आएगा, तो उसको आप यहाँ पे समझ लोगे तो बहुत इजी हो जाएगी लाइफ। इवन फिर आपके कई मॉडल्स हैं कई जगह पर हैं कि आप जिस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को इस्तेमाल करते हो स्टैटिस्टिक्स में वो कन्वर्ज हो रही होती है स्टैंडर्ड नॉर्मल पर और देन फिर आपको नॉर्मल पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड नॉर्मल ये सारी बातें होंगी आगे। ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर डिस्क्राइबिंग अ कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल इज द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। The normal probability distribution has been used in a wide variety of practical applications in which random variables are height and weights of people, test score, scientific measurements, amount of rainfall and other similar values. बहुत सारे areas हैं जहाँ पे इनका इस्तेमाल है। और मैं अगर कहूँ ना कि आपका जो statistical inference है ना तो उसकी foundation है ये, उसके लिए आपको इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं जी नॉर्मल कर्व से। पहले तो देखें ये स्पेसिफिक कर्व जो ऑब्जर्व हो ना, जो एक सिमेट्रिक कर्व भी हो, अबाउट मीन, एक्स रैंडम वेरिएबल हो, टेल कभी भी एक्स एक्सिस को टच ना करें और सिमेट्री अबाउट मीन वैल्यू हो, उसका एक स्टैंडर्ड डेविएशन हो, एक लाइक आपको हम्प का मतलब इस तरह से कोहान टाइप की चीज भी नजर आए, बेल शेप, तो ये आपका नॉर्मल कर्व होता है। ठीक है, द फॉर्म और शेप ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज इलस्ट्रेटेड बाय द बेल शेप नॉर्मल कर्व इन फिगर बिलो। ठीक है, और ये इस तरह का कर्व अगर किसी रैंडम वेरिएबल का बन रहा है कंटिन्यूस का, इट मीन्स वो नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है। ठीक है जी, और द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दैट डिफाइंस द बेल शेप कर्व ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन एज फॉलोस। अच्छा, एक बात मैं कहूँगा, बैक पर मैं आना चाहूँगा और मैं जो पूछूँ चले, हाँ जी, ये जरा मुझे बताएं, ये जो फंक्शन देख रहे हैं ना आप लोग, मैं ये वाला फंक्शन, ये, हाँ जी बताएं मुझे, ये जो आपका फंक्शन है होपफुली ये नजर आ रहा होगा आप लोगों को, हाँ जी, ये फंक्शन देख रहे हैं आप लोग, वन अपॉन बी माइनस ए व्हेन एक्स लाइज बिटवीन ए टू बी एफ ऑफ एक्स, ये क्या बता रहा होता है, क्या मतलब समझ में है, क्या अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हुई है वो बताएं आसान लफ्जों में। मतलब मुझे कोई मैथमेटिकल डेफिनेशन नहीं चाहिए, जस्ट योर अंडरस्टैंडिंग।
वो नीडेड है, क्या मतलब हुआ? कुछ भी इन योर ओन वर्ड्स. इंटरवल की सर प्रोबेबिलिटी है सर, ये प्रोबेबिलिटी बताता है कि इंटरनल ठीक है, आप जो डिस्टेंस लोअर माइनस कवर करते हैं अपर एंड लोअर आपकी वैल्यू से उनकी प्रोबेबिलिटी बताएंगे, चांसेस बताएंगे वो. बिल्कुल सही है. तो ये हमारे जो यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल है ना, उसके प्रोबेबिलिटी उसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन है जो उसकी प्रोबेबिलिटी इंफॉर्मेशन शेयर करता है. वो कहता है इफ आवर एक्स लाइज बिटवीन अ सर्टेन इंटरवल व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड एंड एट बी, देन आवर density function is always a constant number which is 1 upon b minus a. yani ek information share kar raha hai, aasan lafzon mein kahe functional form mein, function ki form mein uniform distribution ki information de raha hai, theek hai na. to isi tarah beta har distribution ki apni information uske form. aap logo ne aise yaad kiya, acha ye formula main thoda sa chahunga ki ek word hum mathematically use kare, bhale fir hum bhale isko like informal way mein dekhe koi issue nahi. yani function, yani ye wo function hai jo hum information provide kar rahe hai, theek hai na. to chale ji ab aa jaye idhar. तो ये हमारा यूनिफॉर्म के लिए जैसे प्रोवाइड कर रहा था, तो डेफिनेटली हमारा नॉर्मल प्रोबेबिलिटी का भी फंक्शन होगा. डेंसिटी क्यों कह रहे हैं बता चुका हूँ. कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल का जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन होता है उसको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कहते हैं, ठीक है. अब देखें ये फंक्शन कहता है क्या है, वन अपॉन सिग्मा. सिग्मा हमारा डेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन, रेडिकल 2π, टू कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, ये पूरा एक कांस्टेंट सेंस में जाएगा. सिग्मा तो आप डेटा की बेस पर देखेंगे. ई स्टैंड करता है एक्सपोनेंशियल को, पता होगा आपको ई पावर एक्स पढ़ा है ना फंक्शन, कभी पढ़ा होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन. तो ये ई पावर समथिंग माइनस वन अपॉन टू एक्स माइनस म्यू सिग्मा एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा होल स्क्वायर. ये पूरा फंक्शन है जिससे ये कर्व जनरेट होता है, ठीक है. अब एक पॉइंट है, अगर मैं कहूँ ना, जैसे मैं एक बात कर रहा था और शुरू से करता हुआ, शुरू से मतलब है जब चैप्टर 5 में हमने स्पेसिफिकली डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा कि भाई आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जब भी पढ़ें बहुत आसान तरीका कार है, आप देखेंगे वो किन सर्टेन पैरामीटर्स पर डिपेंड कर रहा है. जैसे मैं मिसाल दूँ, बाइनोमियल में एनपी पर डिपेंड करता था कि एनपी पता हो तो हम वर्किंग कर लेंगे. इसी तरीके से पॉसॉन में लैम्डा पर डिपेंड कर रहा था, हाइपरजोमेट्रिक में कैपिटल एन पर, स्मॉल एन पर और आर पर डिपेंड कर रहा था. अच्छा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशंस के पैरामीटर बताएं. अभी प्रीवियस लेक्चर में बताया था मैंने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स कौन-कौन से होते हैं. ए और बी ठीक है. इंटरवल जो प्रोवाइडेड है उसका लोअर एंड अपर बाउंड, ठीक है, यानी ए एंड बी. वेरी गुड. तो वेरी गुड, ए एंड बी है. इंटरवल जो प्रोवाइडेड होता है उसका लोअर लिमिट और अपर लिमिट. तो बेटा सेम इसी तरीके से नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का भी पैरामीटर्स हैं और वो बहुत आसान है. उसकी मीन नंबर की इंफॉर्मेशन होती है, यानी म्यू उसका पता होता है, और दूसरा उसका स्टैंडर्ड डेविएशन पता होता है. यानी म्यू की इंफॉर्मेशन होगी और स्टैंडर्ड डेविएशन की इंफॉर्मेशन होगी. एक बात और ऐड कर दूं, अगर वो वेरियंस भी दे दे तो कोई इशू नहीं है. अगर वेरियंस भी दे दे तो कोई इशू नहीं है. क्यों, बता चुका हूँ. वेरियंस दे दे तो आप उसका स्क्वायर रूट करके स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेते हैं, ठीक है जी. तो ये जी हमारा नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है. आप देख थोड़ा लग भी रहा होगा ये थोड़ा सा एक मुश्किल फंक्शन है जी. कुछ थोड़ा कर्व के बारे में बताइए. क्या चाहिए? नॉर्मल कर्व सर समझ. अच्छा अच्छा, देखिए नॉर्मल कर्व ये है कि अगर एक सर्टेन एक्स जो जब उसका डेंसिटी फंक्शन बनाए और वो फंक्शन इस तरह का कर्व प्रोवाइड करे, तो वो बेल शेप्ड कर्व तो कहता है अपनी स्पेसिफिक खसूसियात के हिसाब से, बट ये एक नॉर्मल कर्व भी कहलाता है. और नॉर्मल कर्व इसलिए कहलाता है क्योंकि इसका मीन का पता होता है, मीन के अबाउट सिमेट्रिसिटी होती है, सिग्मा पता होता है, और इस स्पेसिफिक कर्व ऑब्जर्व करने की वजह से इसको नॉर्मल कर्व कहते हैं. जैसे मैं अगर कहूँ, सिंपल है, जब भी आप ऐसी रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे ये वाली, तो आपके जहन में किस डिस्ट्रीब्यूशन का ख्याल आएगा? हाँ जी, सिंपल सा क्वेश्चन है, पढ़ के यूनिफॉर्म आएगा ना. तो उसी तरह सेम जब इवन आपको कहता है जी एक रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन है, वो रेक्टेंगल शेप लेता, आप कहेंगे अच्छा ये तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है. तो सेम यहाँ पे ये सेम, ये आप इधर भी कहेंगे अच्छा जी एक बेल शेप कर्व है जिसके मीन और सिग्मा नॉन है गिवन. ध्यान से सुनिएगा, ये अपने पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है. जैसे मैं कहूँ एक
रेक्टेंगल है जिस जो ए से स्टार्ट हो रहा है जो बी पर एंड होगा, आप कहेंगे ओके ये तो टोटली यूनिफॉर्म की बात हो रही है क्योंकि पैरामीटर्स भी ए भी पता है, शेप भी रेक्टेंगल है, तो आपके जहन में फौरन यूनिफॉर्म आ जाएगा सेम इसी स्टाइल में। अगर एक शेप बेल्ट कर्व है जिसके मीन की भी इंफॉर्मेशन है, रिमेंबर पैरामीटर्स गिवन होते हैं, ये बात मैं कई बार कर चुका हूँ, पैरामीटर्स की इंफॉर्मेशन होती है गिवन दैट उसका मीन जो है वो म्यू है, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा है और इस तरह का कर्व ऑब्जर्व कर रहा है तो इसको हम कहते हैं नॉर्मल कर्व। जो वेरिएबल होता है उसको नॉर्मल रैंडम वेरिएबल कहते हैं और जो उसका फंक्शन जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, बस ये सिंपल सा आइडिया। तो अब जैसे हमने कहा था ना हर एक का फंक्शन होता है, यूनिफॉर्म का फंक्शन है ठीक है, तो इसी तरह नॉर्मल का भी फंक्शन है। फंक्शन थोड़ा देखने में मुश्किल है और मैं पहले कह चुका हूँ कि आप जो है ना इंटीग्रेशन आपका काम नहीं, आप इंटीग्रेशन से यहाँ पे काम नहीं कर रहे होंगे बल्कि इनके कुछ फॉर्मूलाज हैं, कुछ मौजूद हैं चीजें जिससे काम करेंगे। नॉर्मल में तो खैर एक इसका स्टैंडर्डाइज वर्जन मौजूद है, हम उससे हेल्प लेंगे सारी, उस पर मैं आगे बात करूंगा। अब मैं कुछ चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जैसे म्यू से मुराद मीन, यानी आपको उस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन नंबर गिवन होगा उसके बारे में इल्म होगा, आपके केस में गिवन होगा। सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन, पाई पता है ये सर्टेन वैल्यू है, तीन चार डिजिट पे जो भी ट्रंकेट करके लिख सकें, ई का पता है। तो जब हम क्या करें, मिसाल है मैं कहता हूँ एक डेटा है और वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है जिसका म्यू और सिग्मा पता है, वो आप उसमें पुट कर दें तो देखें ऐसा कर्व बनेगा। अब क्या होगा, ये कर्व डिफरेंट हो सकते हैं, कोई कर्व बहुत ज्यादा स्कैटर्ड हो जाएगा, जैसे मैं आपको एक आइडिया देता हूँ क्योंकि ये फिर डिपेंड उस पर करेगा ना कि आपके पास म्यू और सिग्मा क्या है। अच्छा मैं अभी जस्ट लाइक ये कुछ कर्व बनाता हूँ, एक मिनट। जैसे मैं ये कर्व बना रहा हूँ और ये कर्व इस तरह से ठीक है। अच्छा ये कर्व है, ये इस तरह से कर्व है आपका, मतलब ये इसको चलें थोड़ा सा और मैं एक ये कर्व है आपके पास ठीक है, एक ये कर्व है आपके पास ठीक है, ये डिफरेंट। अच्छा एक एक इस तरह से बहुत ज्यादा है, ये सारे नॉर्मल, बस ये क्या, अच्छा जी इसमें सिग्मा बहुत लेस है, इसका सिग्मा छोटा है, इसका सिग्मा इससे बड़ा है, इसका सिग्मा इससे भी बड़ा है, वो फिर आप समझ रहे होंगे मैं बात कर रहा हूँ स्प्रेड पे कि स्प्रेड हमारा कितना है। तो आइडिया एक जेनेरिक शेप जो बनता है ना वो ऐसे ही बनता है और मीन के अबाउट सिमेट्रिक होगा, बट ये कभी कर्व बहुत ज्यादा ये टेल इसके फैले हुए होंगे, फिगर में बहुत ज्यादा स्प्रेडनेस होगी, कभी बहुत तंग होगा, नैरो फिगर होगी, तो वो डिपेंड करेगा, बट मीन आपका उसके बारे में पता होगा हमें ठीक है, और इसी तरीके से ठीक। तो अब आइडिया ये है कि जी म्यू और सिग्मा अगर हमें दे दिए जाए तो ऐसे कर्व जनरेट हो जाएंगे और एक्स नॉर्मल है। ये अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनको समझना है, ये अहम चीज है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या इस डेंसिटी फंक्शन से बहुत सारे नॉर्मल कर्व जनरेट हो सकते हैं या नहीं, यस और नो, पहले ये बताएं। ये डेंसिटी फंक्शन है और ये देखें इस तरह के कर्व, ऐसे बहुत सारे कर्व बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं ये बताएं, और वो किस चीज पर डिपेंड करेगा। बन सकते हैं पैरामीटर्स पे, वो पैरामीटर्स पे, शाबाश ठीक है, क्योंकि मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, मैं मिसाल हूँ आपके पास ना बड़ा आप सिस्टमैटिक साइंटिफिकली काम कर रहे हैं और आपके पास ना 10 वेरिएबल का डेटा और हमें पता लगा कि इन सारी इंफॉर्मेशन से अच्छा ये 10 रैंडम वेरिएबल जो है वो नॉर्मल है, इन जनरल एक मिसाल दे रहा हूँ, क्या सबके मीन और सिग्मा सेम होंगे जी। अगर हमारे पास बहुत सारे नॉर्मल रैंडम वेरिएबल मीन और सिग्मा सेम होंगे, यस या नो बताएं क्या होगा। नो सर, नहीं होगा इन जनरल। इन जनरल आप दो डेटा भी ले लें, जनरली वो सेम नहीं हो सकते उनके मीन नंबर, पर्टिकुलर केस होगा, जनरली बात कर रहा हूँ, जेनेरिकली तो आप कहेंगे नहीं जी, जेनेरिकली हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास रैंडम वेरिएबल है नॉर्मल है तो उनके मीन भी डिफरेंट होंगे, इन जनरल और सिग्मा भी डिफरेंट होंगे ठीक है। तो इसका ये मतलब हुआ मैं म्यू और सिग्मा पुट करते जाऊं और ऐसे बहुत सारे कर्व बनाऊं तो इसका मतलब इस तरह बहुत सारे कर्व जनरेट हो सकते हैं ना, तो ये हमारी फैमिली है, इस फैमिली से हम बहुत सारे कर्व निकाल सकते हैं। जैसे मैं एक मिसाल थोड़ा सा आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ किसी बच्चे को अगर ये बात समझ, स्ट्रेट लाइन की ये फॉर्म लिखी थी मैंने अभी y is equal to mx plus c आदि। अब मुझे एक बात, एक कोई भी स्ट्रेट लाइन हो उसको आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो, यस या नो।
यस सर ठीक है अब मैं डिफरेंट और एम और सी रखता जाऊं क्या डिफरेंट एम और सी रखने से बहुत सारे टाइप की स्ट्रेट लाइन बनेगी या नहीं बनेगी यस सर बनेगी जैसे बनेगी, मिसाल के तौर पर सी जीरो कर दूं तो आपको पता है ना जो लाइन होगी वो ओरिजिन से पास होती हुई जाएगी ये पता है ना यस यस अच्छा अगर एम जीरो कर दूं तो ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी यस सर अच्छा अगर एम अनडिफाइंड हो तो ऐसे वर्टिकल लाइन बनेगी वर्टिकल सर ठीक है अच्छा अगर एम पॉजिटिव हो तो अपहिल लाइन बनेगी ऐसे इधर बन जाए कहीं पे भी राइट साइड अगर एम नेगेटिव हो तो ऐसे डाउनहिल लाइन बनेगी आपके राइट साइड यस सर माइनस की लाइन बनाई सारी स्ट्रेट लाइन है या नहीं है यस स्ट्रेट है तो फैमिली जनरेट तो ये हमारा वो फार्मूला है ना जो पूरी फैमिली को जनरेट करके दे सकता है हमें तो सेम आइडिया बेटा आप उसके लिए भी रख लें कि वो जो फंक्शन है उससे बहुत सारे नॉर्मल कर्व जनरेट हो सकते हैं तो इसलिए वर्ड यूज कर रहा है द एंटायर फैमिली ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफरेंशिएटेड बाय टू पैरामीटर्स द मीन म्यू एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा मगर एक बात खास होगी पैरामीटर डिफरेंट होंगे अगर हम कहें ना कि दो कर्व के मीन और सिग्मा सेम है तो डेफिनेटली वो कर्व भी सेम होंगे बट अगर इन जनरल वो मीन और सिग्मा डिफरेंट है तो वो कर्व भी क्या होंगे डिफरेंट होंगे इसलिए कह रहा है जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सारे हो तो वो डिफरेंशिएटेड इन दो नंबर से होते हैं म्यू और सिग्मा से जैसे आपके सामने मिसाल है इस म्यू इसमें आपके पास मीन 20 है इसमें मीन 0 है इसमें मीन 10 है और सिग्मा हो सकता है सेम भी और डिफरेंट भी और डिपेंड करेगा क्या ले रहे तो अभी मैं सारा पढ़ता हूँ ऐसा ऐसा पहला पॉइंट ये हो गया इसमें अगर मैं बात करूँ तो वो एम्फेसाइज कर रहा है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सारे कर्व जनरेट करवा सकता है उसकी फैमिली बट वो डिफरेंशिएट होगा दो पैरामीटर से तो हमें ऑलवेज ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि गिवन डेटा का मीन और सिग्मा क्या है ठीक है सेकंड द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द नॉर्मल कर्व इज एट द मीन व्हिच इज आल्सो द मीडियन इन मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन बेटा अगर देखें इस फिगर में ये हाईएस्ट पॉइंट है ये जो मैंने कर्सर रखा हुआ है ये हाईएस्ट पॉइंट है या ये हाईएस्ट पॉइंट है ठीक है तो बेटा ये पॉज पे आए अकबर साहब पॉज करें वो साउंड म्यूट करें साउंड को अच्छा अब मैं अगर ध्यान से देखें अगर मैं कहूँ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे तो एक्स एक्सिस तो मीन होगा और वाई एक्सिस प्रोबेबिलिटी होगी कि प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास इसलिए कह रहा है हाईएस्ट पॉइंट जो अटेंड होता है वो मीन पर अटेंड होता है और इसी मीन के अलोंग राइट और लेफ्ट जो होती है वो सिमेट्रिक होती है यानी अगर मैं मीन से ना एक काम करूं यहाँ से जस्ट लाइक मैं एक फिगर से एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को कि ये जी एक हमारा नॉर्मल कर्व है और मैं कहता हूँ ये लाइन जो है लाइन ऑफ एक्सिस है इधर मीन तो अगर मैं ये वाले पोर्शन को उठाऊं और फ्लिप कर दूं तो डेफिनेटली इस वाले पोर्शन को वो क्या कर लेगा ओवरलैप कर जाएगा ठीक है उसके ऊपर फिक्स आ जाएगा ठीक है तो आइडिया इज दैट मीन नंबर से वो सिमेट्रिक भी होता है तो ये कह रहा है हाईएस्ट पॉइंट जो होता है वो एट द मीन होता है जो मीडियन भी और मोड भी है क्यों क्योंकि इस तरह का कर्व जहां पर आपके पास सिमेट्रिसिटी होगी तो वहां पर मीन मीडियन मोड सेम होगा याद करें ये चैप्टर 3 में हमने डिस्कस किया था ठीक है अच्छा जी तीसरा पॉइंट द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी एनी न्यूमेरिकल वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव थ्री नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद द सेम स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे इन्होंने सेम स्टैंडर्ड डेविएशन लिया कुछ भी होगा वो सिग्मा कह रहे हैं ये तीनों का ना सिग्मा सेम है स्प्रेड सेम है मगर मीन डिफरेंट है तो आइडिया इज दैट मीन कुछ भी हो सकता है नेगेटिव नंबर भी हो सकता है यानी हम अब इसको ऐसे कह लें मीन तो बेसिकली एक्स के अंदर से कोई नंबर होगा ना मीन हमारा इस एक्स के अंदर से कोई नंबर होगा तो इसका मतलब हुआ स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी के दरमियान कोई भी वैल्यू टेक प्लेस कर सकता है चौथा पॉइंट द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक विद द शेप ऑफ द नॉर्मल कर्व टू द लेफ्ट ऑफ द मीन अ मिरर इमेज ऑफ द शेप ऑफ द नॉर्मल कर्व टू द राइट ऑफ द मीन ये जो मीन के कॉरेस्पॉन्डिंग अभी बताया था कि जो लाइन अगर जैसे मैंने ये फिगर आप लोगों के सामने रखी थी कि अगर देखें ये जो लाइन बनती है ना इसको लाइन ऑफ एक्सिस कहते हैं अबाउट मीन यहाँ से ये सिमेट्री पॉइंट है ये हाफ फिगर इस हाफ फिगर का मिरर इमेज होती है क्यों सिमेट्रिक कहते हैं इसी को है कि एक सेंट्रल लाइन से आधी फिगर अगली आधी फिगर का मिरर इमेज होगी ठीक है और फिर ये होता है कि अच्छा जी किसी में सिमेट्रिसिटी कम है ज्यादा है वो एक अलग है बट नॉर्मल कर्व जो होते हैं वो सिमेट्रिक होते हैं तो इसी वजह से इनका मीन मीडियन मोड सेम होता है ठीक है जी दिस टेल्स ऑफ द नॉर्मल कर्व एक्सटेंड टू इन्फिनिटी बोथ डायरेक्शन एंड थियोरेटिकली नेवर टच द हॉरिजॉन्टल एक्सिस
ग्राफिकली तो एक टाइम लगेगा ये मीट कर रहा है, बट एक्चुअली याद रखें ये जो टेल है ना, ये वाली ये लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे कभी भी एग्जैक्टली एक्स एक्सिस को टच नहीं करता। तो आप आसान लफ्जों में कह सकते हैं कि नॉर्मल कर्व में ना एक्स इंटरसेप्ट नहीं होता, ठीक है। ये जरूर है कि कोई ऐसा एक्स होगा जहां पर आपका वाई जो है ना बिल्कुल जीरो के करीब हो, बट एग्जैक्टली जीरो कभी नहीं होगा आपके पास। तो आसान लफ्जों में इसको एक्स एसिम्प्टोट कहते हैं। पांचवा आपके पास, द स्टैंडर्ड डेविएशन डिटरमिन्स हाउ फ्लैट एंड वाइड द इंटरवल इज नॉर्मल कर्व। ये मैंने अभी पहले एक फिगर भी बनाई थी, देखें ये दोनों नॉर्मल कर्व है, ब्लू कलर में जो आपके पास है ये भी नॉर्मल कर्व है और ये भी नॉर्मल कर्व है। मीन भले सेम ले लिया है इनका, मगर अब क्या चीज है कि ये वाला ज्यादा वाइड कर्व है और ये वाला कम है, ये नैरो ज्यादा है, हम्प ज्यादा है, ऊंचाई ज्यादा है, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन चेंजेस, ठीक है। तो डेविएशन बताया था ना, डेटा की स्प्रेड को बताता है, डेटा के फैलाव को बताता है। यस सर। तो जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन हायर होगा जिस डेटा का दूसरे के मुकाबले में, डेफिनेटली स्प्रेड ज्यादा, ठीक है। तो होपफुली ये आइडिया भी समझ आ गया होगा। जी बेटा क्या कहनी है? कुछ नहीं था। अच्छा मैं फिर रिपीट करता हूँ, ब्लैक कर्व में सिग्मा 10 है, ठीक है, और अगर मैं कहूँ उसका वेरिएंस तो स्क्वायर कर दिए क्या हो जाएगा 100। ब्लू कर्व में सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन 5 है, अगर वेरिएंस कहूँ 25 है। तो आप देख सकते हो स्प्रेड इसमें ज्यादा मिलेगा और इसमें कम मिलेगा। तो अब अगर मतलब ये बहुत बहुत ही करीब से ना एक्स एक्सिस के क्लोज होना शुरू हो जाएगा, ये बहुत आगे जाकर एक्स एक्सिस के क्लोज हो रहा है, क्यों? क्योंकि इसमें डेटा ज्यादा स्कैटर्ड है, इसलिए क्योंकि इसमें वेरिएंस ज्यादा है आपके पास, सही है जी। अच्छा जी, अब ये हो गया, ये बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन क्या डिटरमिन करना है, हाउ फ्लैट एंड वाइड द नॉर्मल कर्व इज, और शॉर्टली यू कैन से दैट स्प्रेड ऑफ द डेटा सेट बताता है हमारे पास। Larger values of the standard deviation results in wider flatter curve showing more variability in the data. Two normal distribution with the same mean but with different standard deviation are shown here. ये आपके सामने है। ये सारे features हैं, ये बहुत जरूरी है इनको समझना, क्योंकि इससे आप इसकी ना behind की सारी चीजें समझ जाएंगे। Sixth number, the probabilities for the normal random variable are given by its areas under the normal curve. ये बात तो अभी वैसे भी बताया था, कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में ग्राफ के अंडर में, कर्व के अंडर में जो एरिया होता है वो आपकी प्रोबेबिलिटी होती है, और आपका ग्राफ हमेशा वाई एक्सिस पॉजिटिव पर होगा या जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा, एक्स एक्सिस के बिलो कभी नहीं होगा। और सेकंड पॉइंट कि आपकी प्रोबेबिलिटी का जो सम है वो ऑलवेज वन होगा वो सारा, तो दैट्स व्हाई आपके टोटल एंटायर एरिया जो होगा वो वन होगा। द टोटल एरिया अंडर द कर्व फॉर द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज वन बिकॉज द डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब है कि एक सेंट्रल नंबर से 50% ऑफ द ग्राफ राइट पर होगा और 50% ऑफ द ग्राफ या डेटा लेफ्ट पे होगा, ठीक है। तो द एरिया अंडर द कर्व टू द लेफ्ट ऑफ द मीन इज 0.50 एंड द एरिया अंडर द कर्व टू द राइट ऑफ द मीन इज 0.5। तो ये मीन नंबर है जिसके राइट पर 50% होता है और लेफ्ट पे 50% होता है। ये एम्पेरिकल रूल हमने देखे हुए और इसको अभी यहाँ पे फिर ये मैंने वहाँ पे भी एक्सप्लेन किया था, फिर बता देता हूँ। द परसेंटेज ऑफ वैल्यू इन सम कॉमनली यूज इंटरवल, जैसे ये कुछ कॉमनली यूज इंटरवल है, जैसे एक मिसाल दूँ, इन जनरल ये मीन आपके डेटा का है, मीन कुछ भी हो सकता है, इट्स डिपेंड की क्वेश्चन में क्या गिवन है। मीन में से वन टाइम स्टैंडर्ड डेविएशन माइनस कर दें और वन टाइम स्टैंडर्ड डेविएशन ऐड कर दें तो आपका एक इंटरवल बनेगा म्यू माइनस सिग्मा और म्यू प्लस सिग्मा का, जो मैं मोस्ट ऑफन ऐसे लिख के आपको बताता भी हूँ। जैसे मैं कहता हूँ अच्छा जी इसका मीन जो था वो म्यू था और इस डेटा का स्प्रेड इसके सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन से डिफाइन कर रहा था। अब मैं कहूँ एक इंटरवल ऐसे बना रहे हैं कि म्यू में से सिग्मा माइनस कर रहे हैं वन टाइम स्टैंडर्ड डेविएशन, तो एक ये इंटरवल का लोअर बाउंड बनेगा और इसी में म्यू में वन टाइम सिग्मा ऐड कर दें। अब ये जो भी बने ये तो बेटा डिपेंड कर रहा है म्यू और सिग्मा क्या है डेटा के। तो अब ये जो इंटरवल बनेगी तो एक एम्पेरिकल रूल है, ऑब्जर्व रूल है कि जी ऑलमोस्ट डेटा का पता है कितने परसेंटेज इसमें लाया करता है, 68.3%। ये थोड़ा सा रिकॉल करें हमने पहले किया भी था, ठीक है। तो ये रहा, ये एक्स एक्सिस पर म्यू माइनस सिग्मा, सिग्मा इसलिए कह रहा हूँ वन टाइम ऑफ सिग्मा सिग्मा ही होगा, और म्यू प्लस वन टाइम ऑफ सिग्मा इस इंटरवल में यहाँ से यहाँ तक में जो डेटा होगा जो आपके पास, मैं अगर कहूँ चले मैं इसको यहाँ से ये वाला ये पूरा एरिया ये भी और ये भी, ठीक है। तो ये एरिया आपके पास जो होगा वो 68.3 होगा। अच्छा अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन टू टाइम्स
राइट पर जाऊं यानी ऐड कर दूं और माइनस कर दूं, तो ये देखें ये एरो देख रहे हैं आपके पास, इस एरो और इस एरो, तो इस इंटरवल में जो एरिया बनेगा ना वो 95.4 बनेगा। और ऐसे लफ्जों में इसकी प्रेडिक्शन ये है कि जी ऑन एवरेज डेटा का 95.4% जो है वो लाया करेगा। और विद इन 3 स्टैंडर्ड डेविएशन में हमने बात की थी ऑलमोस्ट सारा डेटा और एग्जैक्टली 99.7% ऑफ द डेटा लाया करता है। तो ये एम्पेरिकल रूल पढ़े हुए हमने, और नॉर्मल जब भी ये याद करें इसको पढ़ाया था नॉर्मल और शेबीशेव से। शेबीशेव के लिए कोई भी डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है, बट ये एम्पेरिकल रूल लगाने के लिए डेटा का नॉर्मल होना जरूरी था, याद है ये एक हमने पढ़ा था, तो ये वही yes, ठीक है। तो ये इसकी खसूसियात कह लें फीचर्स में, और ये कुछ लिंक्स भी लगे हुए हैं ये आप लोग थोड़ा देख सकते हैं, ठीक है। तो अब ये तो बता रहे हैं कहाँ कहाँ यूज होता है। मैं अगर आपको आसान लफ्जों में बताऊँ, अगर आप जो आगे स्टैटिकल इन्फरेंस या रिसर्च में जो स्ट्रेट इस्तेमाल करेंगे ना आप, तो और आपके हिसाब से तो सिर्फ आपको पता होना चाहिए फलां फलां टूल है। मैथमेटिक्स तो बहुत है इसकी, ठीक ठाक मैथमेटिक्स बिहाइंड में इन्वॉल्व है, वो भले आपको ना पता हो इतना मैटर नहीं रखता। आपको बस इतना पता हो कि आप टूल कौन सा इस्तेमाल करेंगे, पर्पस क्या है, और जिन टूल को इस्तेमाल कर रहे हैं क्या उनकी कंडीशन फुलफिल हो भी रही है या नहीं हो रही है, आपका काम यहाँ तक होता है बींग अ सोशल साइंटिस्ट, ठीक है जी। तो अब आइडिया इज दैट मैं अगर कहूँ जी आपने एडवांस स्टेट्स को या स्टेट्स को आगे यूज करना होगा जाके, तो उसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा नॉर्मल को बहुत अच्छे से पढ़े, क्योंकि ये बड़ा की टॉपिक है आप लोगों के लिए, ठीक है। अच्छा जी, अब उसके बाद अभी किसी ने कहा कि पीडीएफ वाली स्क्रीन शो नहीं हो रही है। हाँ जी, स्क्रीन नहीं आ रही क्या? आ रही है, चले अभी आ रही है, चलें ठीक है, ठीक है। तो लैपटॉप भी पता नहीं क्यों स्लो चलने लगा। खैर जी, ये देख लें, ये फीचर्स हैं, फीचर्स बताओ, ये फंक्शन है, इस कर्व है, ठीक है। और ये जी आपको कुछ लिंक्स भी दिए, इनको देखिएगा। और बस अभी जैसे थोड़े से क्वेश्चंस हैं तो वो देख रहे हैं। देखा जाए अभी सिर्फ ना ये नॉर्मल का इंट्रो दिया है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, वो अगले वीक में बात करेंगे। ये लेक्चर यहीं तक बना हुआ था तो अभी यहीं तक बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, आप जैसे ये देख लिया ना, अब आप कहेंगे ऐसे अभी तक अगर कोई क्वेश्चन आपने डील करना होगा ना तो आप करेंगे एम्पेरिकल रूल से। आगे हम पता है अगले वीक में मैं बता दूं क्या करने लगे हैं, वो ये होगा कि अच्छा यार म्यू और सिग्मा तो हर डेटा का डिफरेंट होगा, तो ऐसे तो अगर हम इस फंक्शन को इस्तेमाल करें, फंक्शन हमें देखने में वैसे ही मुश्किल लग रहा है, फिर अगर हम इसको कोई स्पेसिफिक एक कह लेना कि एक ऐसा अहम इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड वर्जन अगर वो नहीं होगा तो हम इसको कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन तो मुश्किल करेगी, डेफिनेटली ऐसे ही है। तो यहाँ पर एक आइडिया आ जाता है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, वो नॉर्मल ही होता है, स्टैंडर्ड इसलिए कह रहे हैं कि हम उसको यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी एक स्टैंडर्ड कैलकुलेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। वहाँ पे मीन 0 पे डिफाइन होता है और सिग्मा 1 होता है। अब उसकी सारी जो आपके पास कैलकुलेशंस है ना वो बहुत आसानी से एक टेबल में प्रोवाइडेड है, फिर हम उस टेबल का इस्तेमाल करेंगे, जेड टेबल के नाम से आएगा, ठीक है। जो आपने जी स्कोर पढ़ा था ना तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग एरियाज की प्रोबेबिलिटी है वो देखेंगे, और फिर एप्लीकेशन के क्वेश्चन वगैरह जो है वो देखेंगे। तो अभी फिलहाल यहीं तक है कि नॉर्मल क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। अभी जैसे ये सर ने रखा है क्वेश्चन 8, ठीक है, क्वेश्चन 8 हम देखते हैं ये नॉर्मल का। और अभी मैं अगेन कह दूं ये जो चीज है ये आगे अगले वीक में आएगी स्टैंडर्ड नॉर्मल पे, इस पे हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। ये मेन चीज है, इसी से हम किसी भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये रहा, ये देखें, यूजर्स यूजिंग फिगर 6.4 एज अ गाइड स्केच अ नॉर्मल कर्व फॉर अ रैंडम वेरिएबल एक्स दैट हैज अ मीन ऑफ म्यू 100 एंड अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिग्मा इज इक्वल टू 10, लेबल द हॉरिजॉन्टल एक्सिस विद द वैल्यूज ऑफ दिस दिस दिस, ठीक है, 70 80 90 100 110 130, ठीक है। तो ये आपने करना है। अच्छा जी, तो अभी हम देख लेते हैं, ये देखें, इन जनरल द ग्राफ लुक्स लाइक द ऑन एट लेफ्ट 18 लेफ्ट रिप्लेस म्यू बाय 100 एंड सिग्मा बाय 10 यू गेट ऑन द राइट। अच्छा जी, ये देख लें, म्यू माइनस सिग्मा म्यू माइनस टू, ये इस तरह से आपके म्यू प्लस सिग्मा म्यू, और ये इस तरह से ग्राफ आपका है,
ठीक है, अगर आप देखें इस डेटा में, ये डेटा में म्यू 100 था, 100 में से 1 स्टैंडर्ड डेविएशन माइनस कर दें, 90 पे पहुंचेंगे। ये 100 सेंटर है, अगर ध्यान से दिखे मीन है, 1 माइनस कर दें 90, 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा माइनस कर दें 80, 3 टाइम्स ऑफ सिग्मा माइनस कर दें 70, 1 टाइम 2 टाइम ऐड कर दें, तो ये आपका इस तरह से कर्व आ जाएगा। अब आप एम्पेरिकल, जैसे मैं कहूँ एम्पेरिकल, अगर ये श्योर है कि हाँ जी ये नॉर्मल कर्व इस तरह से ग्राफ बन रहा है, अब मैं कहूँ आप लोगों से, चले मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोग ना ये थोड़ा जहन में रखें ये वाला। अच्छा मेरा क्वेश्चन है को अब वो देखते हैं कौन बताता है, और इस पे मैं ऑलरेडी क्लास में बात मैंने की थी, मुझे याद है। म्यू से म्यू प्लस टू सिग्मा के दरमियान कितना एरिया होगा, ध्यान से सुनिएगा मेरा क्वेश्चन, ठीक है सर? 99 95। नहीं नहीं, ध्यान से सुने, मैंने कहा म्यू से म्यू प्लस टू सिग्मा, मैंने सिर्फ यहाँ से यहाँ तक लिया, ये वाले पोर्शन की बात नहीं की है मैंने, थोड़ा सा ध्यान से देखो। 120 20। बहुत आसान है, ध्यान से सोचिए। 95.4 डिवाइड बाय 2 करेंगे। जी हाँ, शाबाश, वेरी गुड। 7 ठीक है, क्योंकि मैंने लोअर बाउंड म्यू रखा ना, तो मैं एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट ले रहा हूँ और यहाँ पर एंड कर रहा हूँ, तो आपने कहा था चलो इश्यू नहीं है, म्यू माइनस टू सिग्मा से म्यू प्लस टू सिग्मा 95.4 है, ये हाफ पूछा गया तो इसको हाफ कर दो, याद करें ये ऐसी प्रैक्टिस करवाई थी। अच्छा 47.7। हाँ जी, वो हाफ 95.4 का 47.7% है, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से सुनिएगा, अब आपको ना प्रायोरिटी बतानी है उस इंटरवल की जिसका लोअर बाउंड म्यू माइनस टू सिग्मा से शुरू हो रहा है, ध्यान से सुनिए, और अपर बाउंड म्यू प्लस 1 टाइम्स ऑफ सिग्मा पर एंड हो रहा है, यानी म्यू माइनस टू सिग्मा से लेकर म्यू प्लस 1 सिग्मा, क्या इसका एरिया होगा या प्रोबेबिलिटी होगी, आराम से तसल्ली से कैलकुलेट करें हम बताएं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी when your lower bound is mu minus 2 sigma, when x lies between mu minus 2 sigma to mu plus 71.1। ठीक है, अब वो हुआ कैसे वो बता दो, नंबर तो अभी हम चले के वेरीफाई कर लेंगे, आपने किया कैसे वो बताएं सर। जो इसका पहले सर हमने जो mu 1 है इसका हाफ लेंगे, और यहाँ से ठीक है, अगर देखें म्यू माइनस टू सिग्मा से म्यू प्लस 1 सिग्मा, तो मैं अगर म्यू से म्यू माइनस टू सिग्मा का एरिया निकालूं तो वो 95.4 का हाफ है आपके पास यहाँ से यहाँ तक। यस सर, ये देखें मैं कर्सर मूव करूंगा, म्यू यहाँ तक गया, फिर ये कर्व ऐसे आ गया, और ये तो ये देखे 95.4% डिवाइडेड बाय 2। अच्छा अब मेरे पास ये पोर्शन रह गया, ये नोट करें, ये विद इन 1 स्टैंडर्ड डेविएशन का हाफ रीजन है ना, आई एम रिपीटिंग दैट, विद इन 1 स्टैंडर्ड डेविएशन का हाफ रीजन है ना, तो ये म्यू से लेके 1 से इसका हम क्या करेंगे 68.3% का भी हाफ करेंगे, और वो दोनों आपस में क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, क्योंकि हमें टोटल बताना है तो कर देंगे सर। ठीक है, तो आइडिया इज दैट आपको ग्राफ रीडिंग से आप एम्पेरिकल रूल को एटलीस्ट इम्प्लीमेंट करना भी सीख सकते हैं, और ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। ठीक है, अच्छा जी ये वाला क्वेश्चन 9 आप लोगों का होमवर्क है, ये कीजिएगा, यानी मैं बताऊं अभी सिर्फ हमने इंट्रो लिया और कुछ भी नहीं, ये टॉपिक बहुत डिटेल में अभी बाकी है। 6.2 इसमें हमने स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल यानी जेड वेरिएबल की बात करनी है, लेफ्ट का एरिया, राइट का एरिया, बिटवीन का एरिया निकालना सीखना है, और फिर एप्लीकेशन का काम करना है। ठीक है, तो ये अभी रहता है हमारा फिलहाल, आप लोग जो है ना मान ही दे। ठीक है, तो अब आपके पास जो है ये कोई क्वेश्चन है तो पूछें। ठीक है, और अनिल कहाँ है भाई, अनिल मौजूद है? हाँ जी अनिल साहब, अनिल नहीं है, अनिल नहीं है। अच्छा वो आप लोगों को उससे मैंने कहा था अनिल बात करे कि आप लोग स्पेशली, आई थिंक मुझे याद है आपकी सर आपकी आवाज कट रही है, आवाज मेरी कट रही है, थोड़ा सा स्टेबिलिटी होगा कनेक्शन। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ
आपके किसी साथी ने कहा था कि सर हमारी क्लास जुम्मे को होती है और क्विज पर संडे को कम टाइम मिलता है, तो मैंने कहा था आप डिसाइड कर लें वेनेसडे से पहले आप कोई भी दिन जो रखना चाहिए, यानी अगर ट्यूसडे या संडे काम है तो मंडे ट्यूसडे में भी कोई टाइम आप बता सकते हैं, ठीक है। मगर वो ऐसा टाइम हो कि आप सारे डिसाइड हो, डे और टाइम दोनों। और हमने वेनेसडे से पहले इसलिए करना होता है क्योंकि ये बिजनेस स्टेट की क्लास आपको पता है दो सेक्शन है, तो वो वीक का साइकिल जो होता है वो फिर ट्यूसडे को पूरा होता है जाके, समझ रहे हैं ओवरऑल सेंस में। तो अब ये कि आप लोगों का क्या डिसाइड हुआ है ये बताएं पहले। ट्यूसडे सही है सर? नहीं सही है, नहीं वो नहीं, मैंने कहा डिसाइडेड किया हुआ है, वो हमने किया हुआ है। बट अभी अभी मैं एक चीज आप लोगों को बता दूं, पता नहीं अब वो अनिल नहीं है और उसने क्या बात की, अभी जो आपके जो क्विजेज है ना चार वीक के, वो आपके एक्चुअली एग्जाम ही है, यानी अब आप वीक वाइज एग्जाम देंगे और 6 मार्च का क्विज हुआ करेगा आपका। तो ये समझ लें कि हर वीक में जो अब आप एक क्विज दे रहे हैं फाइनल एग्जाम का हिस्सा है। मिसाल के तौर पर अभी आप पहले वीक का काम का क्विज देंगे तो ये फाइनल एग्जाम का एक पार्ट है, फाइनल एग्जाम पार्ट वन हो गया। तो ये इस तरह से 6 मार्च करके 4 क्विज जो देंगे 24 हो जाएंगे, समझ रहे हैं जी। इसका फायदा ये है कि जी आप लोगों का वीक वाइज काम हो जाया करेगा कवर, और ज्यादा कॉन्टेंट आप लोगों को पढ़ने की टेंशन नहीं होगी, वीक वाइज आप एग्जाम देते जा रहे हैं। दूसरा, फिर जो आपके मार्क्स रह जाएंगे वो डिस्ट्रीब्यूशन भी मैं आगे लिख के भेज दूंगा, वो फिर मैं आपको आफ्टर कंप्लीशन ऑफ आपका कोर्स मैं असाइनमेंट दे दूंगा। वो भी बाद में देने का ये पर्पस है कि चले आपको एक प्रॉपर टाइम मिले असाइनमेंट करने का और सब्जेक्ट पूरा आपके सामने होगा। तो इसी वजह से मैंने कहा था कि क्विज संडे ओके है तो फाइन, मुझे कोई इशू नहीं। अगर संडे नहीं है तो मुझे, मैंने कहा था आज क्लैरिटी के साथ डिसीजन दे दीजिएगा, क्योंकि अब जो भी आप दे डिफाइन करेंगे ना वो फिक्स होगा, और वो मैंने सर सुलेमान को कम्युनिकेट करना है सेक्शन ए वालों को, सेम डे और सेम टाइमिंग पे आप लोगों का क्विज हुआ करेगा। तो क्योंकि मोस्ट ऑफन सर सुलेमान ने कहा उनके बच्चों को तो कोई इशू नहीं होता, जब सर जो टाइम रखते वो दे देते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं देख रहा हूँ प्रॉब्लम आप लोगों को होती है, आई डोंट नो वो क्या प्रॉब्लम है, उसके बावजूद भी मैंने ये आप लोगों पे ही छोड़ा है कि आप मंडे ट्यूजडे जो भी डे डिसाइड करें और टाइम डिसाइड करें, मगर वो फिक्स होगा और फिर उस वक्त किसी का कोई इशू नहीं चाहिए, क्योंकि वन डे बिफोर इशू आना शुरू होता है। और सर हमारा ये मसला था ये था वो, नहीं जी हम हमेशा फिक्स टाइमिंग इसीलिए करते हैं कि फ्यूचर में सबको पता है हम ये फॉलो कर रहे हैं, किसी 2 बच्चों की वजह से बाकी 30 बच्चों की प्लानिंग नहीं खराब करते, क्योंकि 30 बच्चे एक अपनी प्लानिंग से चल के एक तैयारी कर रहे होते हैं, 2 बच्चे अचानक उभर के सामने आते हैं, सर हमारा ये मसला है, तो डेफिनेटली हम 2 के लिए 30 को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो होपफुली मेरी बात ये ध्यान से समझे। अब ये बताएं आप लोगों की कोई बात हुई आपस में या नहीं हुई है? ट्यूसडे सही है, बात तो हुई है लेकिन ट्यूसडे सही है। नहीं पहले डिसाइड क्या हुआ है आप लोगों को, अभी ये मुझे ना बताएं ट्यूसडे सही है। ट्यूसडे सही है, आप लोगों ने क्या डिसाइड किया आपस में? ये सर ट्यूसडे सही है, ट्यूसडे ट्यूसडे सही है, ट्यूसडे टाइमिंग ये फिर बेटा अब मुझे नहीं पता अनिल कहाँ है अभी, उसको मैंने एक एक बात कल समझा दी थी इसीलिए फोन पे, ताकि वो पहले से कर। तो ट्यूसडे का और शाम 5:30 बजे का, ठीक है। और ये सुन लें कि आपका जो क्विज होगा वो टाइम लिमिट 30 मिनट की होगी, ठीक है। और उसमें ये होगा कि क्विज अवेलेबल होगा 40 मिनट के लिए, यानी 5:30 से 6:10 तक आपका क्विज अवेलेबल होगा और 30 मिनट आपके जो है ना वो लिमिट होगी, ठीक है। तो ये आपका हो गया और ट्यूसडे को डन है, और होपफुली जुम्मे की क्लास के बाद अगर आप ट्यूसडे का क्विज दे रहे हैं ये इनफ टाइम है, तो आप किसी का ये इशू नहीं आना चाहिए कि हमें जी टाइमिंग नहीं मिलती तैयारी की। आप भले संडे को सर तो वो क्वेश्चन ज्यादा होंगे, क्वेश्चन आधे मिनट आधे घंटे के हिसाब से होंगे, क्योंकि आपका टाइम ले वैसे तो देखा जाए जो क्विज अवेलेबल बेटा मिक्स होंगे, जैसे अभी दिया था सेम वही पैटर्न होगा, ठीक है। ट्रू फॉल्स भी होंगे, शॉर्ट आंसर जो डायरेक्टली लिखने थे वो वाले भी होंगे, और आपके पास मल्टी MCQs भी होंगे, तो वो तो अब ना पूछे, वो जो चल रहा है वैसे ही चल रहा है, ठीक है। और जैसे और सर और एक चीज ये कि अगर आप देखें तो आपने सिर्फ वीक का सिलेबस पढ़ना है, तो ये आपको बहुत आसान भी हो जाएगा कि वीक का सिलेबस आप तैयारी करें, तो जुम्मे की क्लास के बाद आप लोग के लिए 3 दिन है ना फिर तैयारी करने के लिए, ठीक है। फाइनल का तो पीछे का सर कोर्स भी इसमें होगा,
वो आपके पास जो है एक मेन क्विज में हम देख लेंगे, मगर अभी फिलहाल जो आपका क्विज होगा वो वीक वाइज होगा, और जिस वीक जो पढ़ रहे हैं वो उसी में से आएगा। जैसे मिसाल है, अब ये जो हमने आज जो भी पढ़ा है तो इस वीक का क्विज ट्यूसडे का होगा और इसी सिलेबस में से होगा, ठीक है? तो फिर ट्यूसडे को शाम 5:30 बजे ये फिर अपने ग्रुप पे मैसेज करके सबको इन्फॉर्म कर दें, ठीक है? बाकी मैं फिर कल तक ईमेल भी कर दूंगा एक ओवरऑल, ठीक है जी? और कोई क्वेश्चन? क्लास 3 घंटे की होगी। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं बेटा, आवाज नहीं आई? क्लास 3 घंटे की होगी। जी 3 की होगी। आए भाई जान, स्कोर्स कम था एक्चुअली, मैं थोड़ी कुछ कामों में बिजी था, सर सुलेमान को मैंने कहा था, उन्होंने ये पीडीएफ नोट्स बनाए तो थोड़ा सा कम रह गया। जैसे मेरे अंदाजे के मुताबिक आज मुझे स्टैंडर्ड भी पढ़ाना था, तो फिर मैंने कहा चलें ठीक है, वो उसको हम अगले वीक भी देख लेंगे, क्योंकि अभी आए बाई चांस, वरना नॉर्मल क्लास की आपकी यही टाइमिंग है 3 to 6 ही है, तो वो तो पहले भी बात हो गई, कभी ऐसा भी होगा हम 2 घंटे में भी फारिग हो जाएंगे, कभी ऐसा भी होगा हमें 3.25 घंटे भी लग सकते हैं, बट इन शॉर्ट जनरली हमारी टाइम 3 to 6 है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है जी? चलें फिर, होपफुली और कोई चीज़ नहीं है, एंड करते हैं, ठीक है? अल्लाह हाफिज़।